लगता है आज ये गेम मैं जीतने वाला हूँ। ये नागपाल पासे फेंकने के बाद मोहरे नहीं चलाता है, मोहरे चलाकर पासे फेंकता है। हिसाब गलत नहीं होता है, पासे के खेल में एक बार शगुनी हार सकता है, लेकिन ये नागपाल नहीं। आधा युद्ध जीतने के बाद हथियार नीचे नहीं डालने चाहिए, वरना गए काम से। क्यों, तुम क्या कहते हो बेटे? सच है पिताजी, लेकिन हमारे लिए इससे भी बड़ा एक खेल है। माइनिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार हमारी जमीन में बहुत सारे खनिज तत्व हैं, लेकिन हमारी जमीन से भी ज्यादा सूर्य नारायण ने जो दान में दी है उसमें है। उस दान की हुई पहाड़ी में? अगर गांव वालों से दान की हुई जमीन हम वापस मांगेंगे तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर फिर भी तू चाहता है कि वो पहाड़ी तुझे चाहिए तो उसके लिए एक ही रास्ता है, तुझे इस गांव की पंचायत का मुखिया बनना होगा और कानून के हिसाब से और बहुत ही नाजुक तरीके से उसे अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन इस माइनिंग का पंचायत से क्या मतलब है? गांव में अभी भी पंचायत लगती है क्या? इस देश के लोगों को गुलामी करने की आदत पड़ गई है, करवाने वाला चाहिए। क्या कहते हो बेटे? जब आप मेरे साथ में हैं तो माइनिंग तो क्या, स्टील प्लांट भी ओपन कर सकता हूँ। शाबाश बेटे, अगर इस पूरी दुनिया पर तुमने हुकूमत चलाने की ठान ली है तो उसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन बस ये एक बात का ध्यान रखना बेटे, इस गांव के जो लोग हैं वो इज्जत वाले हैं, अत्याचार और जुल्म से झुकेंगे नहीं लेकिन प्यार से मरेंगे, क्योंकि मुखिया की वो लोग इज्जत करते हैं। तुम्हारा प्यार एक धोखा है, ये बात सबको बता दूंगा। तू एक जहरीला नाग है, ये मैं पहले से ही जानता था। हमारे सूर्य नारायण मुखिया की जमीन तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। अरे ऐसा हमने कौन सा गलत काम कर दिया? इस गांव की सृष्टि हमारे ही वंशजों से हुई है, हम तो बस उसमें से थोड़ी सी जगह ले रहे हैं, वो भी अपने लिए नहीं, इसी गांव के विकास के लिए। अरे ओ नागपाल, इस गांव का मुखिया बनने की योग्यता तुझमें नहीं है। तू अपने बेटे को उस कुर्सी पर बिठा कर, लोगों पे अधिकार जमा कर, गांव को पूरी तरह से लूट कर जमीन के गर्भ को खोदना चाहता है। देवी चामुंडेश्वरी ऐसा कभी नहीं होने देगी। ये इस धरती का बेटा है, हमारी भविष्यवाणी करता है। दरअसल तू जीने के लायक ही नहीं है, चल मर जा और ऊपर जाकर देवी से बोल दे। सदा सुखी रहो, सुखी रहो। हाँ गुरुजी, इस नवरात्रि के लिए हमने सुना है कि आपको प्रेरणा मिली है। सही सुना है, पूरे 26 सालों के बाद उत्सव मनाने के लिए देवी ने मन बनाया है और ये त्योहार धूमधाम से मनाना है। वो तो सही है गुरुजी, लेकिन जिस उत्सव में सूर्य नारायण जी की मौत हुई उसी उत्सव को कैसे मनाएं? सब देवी की ही आज्ञा है, आने वाली नवरात्रि का उत्सव मनाना ही होगा। महेश, पूजा शुरू हो गई है, राजा पता नहीं कहाँ है। उसका तो हर साल का यही रोना रहता है, अपनी मर्जी से आएगा। पानी जी, 1 करोड़ के लिए वजन थोड़ा कम पड़ रहा है। 1 करोड़ का 12 किलो होना चाहिए, उसके लिए एक बंडल रख दो या एक बंडल निकालो और पैक करो।
जाते समय उनके कपड़े वगैरह चेक कर लेना। अच्छा ठीक है। अचानक इस तरह करने से तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी प्रताप। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही तो सरकारी काम तुम देखते हो। सेंट्रल से परमिशन नहीं मिली तो माइनिंग का काम होते होते रुक जाएगा। इलेक्शन के टाइम पर पूरे 300 करोड़ खर्च किए थे। मैं जानता हूँ प्रताप, तुम्हारे पिताजी के बिना ये सरकार थोड़ी बन सकती थी। मेरे पिताजी सीएम से बात कर लेंगे, तू जिसे बुक करना चाहता है कर ले, और मेरे चाइना जाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करा दे। नमस्ते भाई। हाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम्हें जितना चाहिए उतना उस लॉरी में भरा है। भागता कहाँ है? ए इसे टपका दो, इसे कौन है रे तू? तेरे हाथ में जो हथियार है ना उससे पूछ बताएगा। ये सिर्फ नाम का हथियार नहीं है, जान लेने वाला हथियार है। घुमाने से ये सिर्फ और सिर्फ बलि चढ़ाना जानता है। अबे घुमाने से कुछ नहीं होता है, ऐसे घुमाने से किसी की बलि नहीं चढ़ती। बैट हाथ में लेने से बैट्समैन नहीं बनते। ओहो अरे यार, तुझे क्या लगता है ये कोई डॉन है या कोई कराटे किंग है? तू अपुन का लेवल जानने के लायक नहीं है, नाली का चूहा है तू। जब बात देश की आती है ना, हर इंसान अपने आप में किंग होता है। तू तो गया काम से। अगर तू मुझे टच करेगा तू जिंदा बच जाएगा क्या? तो मुझे छूकर तू जिंदा बच जाएगा क्या? तेरे ही हथियार से तेरे शरीर को काट के रख दूंगा। टपका दो से। जिससे तुम्हारा संबंध नहीं है उसके लिए इतना क्यों मार रहे हो भैया? संबंध नहीं है फिर भी अपुन ने इतना मारा है। अगर संबंध होता ना तो तू जिंदा नहीं होता। पब्लिक के बीच में हथियार लेके घूमता है हा? तेरी तो भैया 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 पब्लिक के बीच में हथियार तो क्या, अब से चाकू लेके भी नहीं घूमूंगा। चल अपुन की गाड़ी का ग्लास बदल। क्या अबे चलना चाहे रमणा जी? क्या है जब्बा? ये लो भैया तुम्हारा आज का भाड़ा। ये क्या रे, कम लग रहा है? गाड़ी में थोड़ा सा रिपेयर हो गया था। अरे रोजाना कैसे रिपेयर निकल आता है, तू गाड़ी ढंग से चलाता है? ऑटो में स्क्रैच आ गया ना तो स्क्रैप बना दूंगा।
ये मेरी महालक्ष्मी है। ये क्या रमणा जी, छोटी सी बात के लिए मेरी क्लास ले रहे हो? राजा की गाड़ी देखो ना। राजा की? और क्या क्या डैमेज हुआ? और कुछ नहीं हुआ है, कांच टूट गया था उसे बदलवा दिया। लाइन के आखिरी नंबर के साथ ही घर आ जाना चाहिए। दुनिया की चिंता तुझे क्यों है? तूने क्या मुंबई का उद्धार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? मुंबई में कुछ भी होता रहे और मैं आंखें बंद कर लूं? अब उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ था, बाजार में हथियार लेके घूमते हैं। कोई कुछ भी लेके घूमे, तुझे उससे क्या है? आजकल मेरी बात को बस कान से निकाल देता है। देख राजा, मेरी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है। देखो मेरी बात सुनो, अगर खाली कांच टूटा होता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन कुल्हाड़ी गिरी शंकर जी के फोटो पर। अब अगर मेरी आंखों के सामने ये सब होगा तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इतना ही नहीं, वो लोग एक आदमी को मारने जा रहे थे। बदन पर खाकी कपड़ा पहनने पर कहीं खुद को पुलिस वाला तो नहीं समझ रहा है? खाकी पहनना जरूरी नहीं है, कानून की हिफाजत करना जरूरी है। पुलिस का डिपार्टमेंट है, ऑटो का डिपार्टमेंट है, रोड क्लीन करने का डिपार्टमेंट है, सिटी क्लीन रहनी चाहिए। कौन क्लीन करता है ये जरूरी नहीं है। देखो अब उनको कोई क्या करता है उसकी कोई चिंता नहीं। देख राजा, इन गुंडे लोगों से हमेशा रिस्क रहता है। इंसान के लिए माँ की कोख से पैदा होकर चलने तक रिस्क ही रहता है। अरे लाइफ में कोई चैलेंज नहीं तो लाइफ कैसी रहे? इस रथ का मैं सारथी हूँ और अपुन करता है पब्लिक सेवा। माँ चामुंडेश्वरी के हाथों में अपुन सेफ है। ये लो आज का पूरा भाड़ा। हाँ। क्या हुआ राजा, बहुत अपसेट दिखाई दे रही हो? हाँ, रमणा की स्पेशल क्लास जो अटेंड की है। यानी आज विकेट जल्दी गिर गई? ये कोई ऐसी वैसी विकेट नहीं है, बहुत बड़ी विकेट है, बस थोड़ा सा अपसेट है। ये जरा सी अंदर जाएगी ना सब सेट हो जाएगा, जल्दी से उठा। ए मोटे, ये सब मुझे नहीं चाहिए, बोल दे उसे। दिन के समय फटकारता है, रात के समय प्यार करता है। ये क्या रे? ये तो जागा हुआ है, किसी को भी हाय बोलकर दूसरा काम करने का प्लान कर रहा है क्या? क्यों भैया, मैं तो बस कैसे काम के लिए कोई भगवान आएगा? भक्त पूजा करते चले जाते हैं, लेकिन बचाना हमारा कर्तव्य है। रख दे बोतल। क्या कहा? रख दे? आजकल तू मेरी बात मानता ही नहीं है। ओह अंबुजा अंबुजा, हे मोटे मेरी कबर के ऊपर रेस्ट इन पीस ऐसा लिख देना। अरे बाप रे, क्योंकि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। अंबुजा अंबुजा, मैं आ रहा हूँ। ये क्या रे, कोई मुझे रोकता क्यों नहीं है? हाँ अंबुजा, चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। अंबुजा, अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊंचाई पे है। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सब क्या कर रहे हो? पहले तुझे मुझे प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? यही कि आपसे तो जो भी मैं कहूंगा वो मानेगा। ठीक है आप ठीक है। अंबुजा सॉरी, मैं तुझसे बाद में मिलने आऊंगा। ओके, और अब से मेरी एक पॉलिसी सबको फॉलो करनी होगी। पॉलिसी फॉलो करना अपन के बस का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी की मौत का कमिटमेंट हो रहा है। मेरा मतलब वो पॉलिसी नहीं है। तो फिर लाइफ पॉलिसी? यानी लिव इट पॉलिसी। लिव इट पॉलिसी? हाँ। ये क्या है? छोड़ रहने दे। क्या कहा? छोड़ रहने दे। राजा, जब भी मेरा मन करता है ना कि मैं बंदर की तरह उछलूं और अपने आप को खुजाता रहूं, उसके लिए मैंने ध्यान लगाने का एक तरीका निकाला है, और वो है जीवन में अचानक कुछ हो जाता है और कुछ होना जाए उसके लिए मैंने ये पॉलिसी निकाली है। हाँ, छोड़ रहने दे, छोड़ रहने दे। जब हम प्यार से बोलेंगे तो एकदम कूल हो जाएगा और मूड जॉली रहेगा। छोड़ रहने दे, छोड़ रहने दे, छोड़ रहने दे। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, छोड़ रहने दे। छोड़ रहने दे। लफड़े बहुत आते हैं जिंदगी में। छोड़ रहने दे, छोड़ रहने दे। हमारी तो शादी भी नहीं हुई, लड़की भी नहीं है। छोड़ रहने दे, छोड़ रहने दे। लोगों के बीच चाहे जो भी हो जाए। छोड़ रहने दे, छोड़ रहने दे। एक सांस में आधी बोतल।
अरे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? राजा ये कलेक्शन पिताजी को दे देना, मेरे घर से फोन आया है, वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। ठीक है तू जा। अच्छा चलता हूँ। हे रुद्रा। हाँ। इसमें किसी का पार्सल है। ओह एक लड़की आई थी सपना बुक हाउस पे ऑटो को खड़ा करवा के, वो अंदर चली गई और अचानक तभी मेरे घर से फोन आ गया। एक काम करता हूँ, घर से वापस आकर दे दूंगा। उनके लिए शायद अर्जेंट होगा। ठीक है तू निकल। ठीक है। क्यों री, ये क्या किया तूने? तू आजकल किस दुनिया में रहती है? मैंने कितनी मुश्किल से वो फोटो पाया था पता है, और तूने उसे खो दिया। मैंने उसे कहीं नहीं खोया माँ, ऑटो में वो फोटो लेके आ रही थी। सपना बुक हाउस में ऑटो रोककर एक बुक लेने गई थी। मुझे क्या पता था लोग भगवान का फोटो भी चुरा लेते हैं। देख रुक्मणी, मैं ये कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए बस वो फोटो। हे माता चामुंडेश्वरी, तेरी फोटो खोने के बाद तू चुप है लेकिन मेरी माँ चुप नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात भी हो जाए तो माँ पहाड़ बना के रख देती है। दया करके किसी के भी हाथ वो फोटो भिजवा दे माते, मैं तेरी स्पेशल पूजा करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है। अब पता नहीं कौन आया है, मेरी बात को तो कोई सुनता ही नहीं है। कौन हो? देखिए मेरा नाम राजा है, मेरे दोस्त की ऑटो में ये पार्सल रह गया था, हमारे उस ऑटो ड्राइवर को अचानक घर जाना पड़ गया, ये लीजिए। अरे वाह, कोई मेरी बेटी को धोखा देकर ये फोटो ले गया है, मैं ऐसा सोच रही थी। ये फोटो नहीं मिलने से मैं बहुत परेशान हो रखी थी। माते आखिर देवी चामुंडेश्वरी मेरे घर आ ही गई, मैं बहुत निराश हो गई थी। देवी देवताओं ने हमारी सृष्टि की, वो निराश करेंगे क्या? एक मिनट यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैं पैसों को अहमियत नहीं देता हूँ, बस पुण्य कमाते रहो ऐसे पिताजी कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो हमें रोजी दिलाती है ये देवी ही, उनकी सेवा की कीमत मत लगाओ। मैं चलता हूँ। यानी फोटो मिल गया है। कौन है वो पुण्य आत्मा? उसे रोक के रखना, अच्छा सबक सिखाऊंगी। ए, ये वो नहीं था, ये अच्छा लड़का था, हमारे घर आकर फोटो देकर गया है। ये कौन है? प्रेम दिखाई नहीं देता है, सच है, प्रेमिका भी नहीं। प्रेम यदि दिख जाए तो प्रेमिका भी दिख जाएगी। पिताजी की मौत का कारण तो खुद बन गया है। पिताजी की मौत का कारण मैं नहीं हूँ। hey, क्या हुआ राजा, क्या हुआ रे? पिताजी तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ रे, फिर से वही सपना देखा क्या? सपने में ऐसा होता तो उम्र बढ़ती है। तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें दिमाग में मत रखा कर। देवी चामुंडेश्वरी का ध्यान करके सो जा, सो जा। सपने में माँ चामुंडेश्वरी ही आई थी। ओ सुन, तुझे मंदिर जाके बहुत दिन हो गए ना, इसलिए सुबह जल्दी उठ के मंदिर चले जाना है। अब सो जा, सो जा। अरे सो जाना, देवी साहब ठीक करेगी। वो नारियल उछलकर तुम्हारे सिर में लगने वाला था। कौन सा नारियल? वो वाला नारियल। कहाँ है वो नारियल? वो नारियल वहाँ, बंदर ले गया। बंदर ने भी धोखा दे दिया। बंदर वहाँ आराम से छत पर बैठा हुआ है और तू बंदर के ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है। मेरे सिर पे नारियल लग जाएगा उसके लिए तो एकदम से आकर मुझे बाहों में भर लेगा। ए, पलक झपकते ही तुम्हारा सर फूट जाता, इसीलिए बचा लिया, वरना वैसे तुम जैसी लड़कियों के पीछे भागने की चीप मेंटालिटी अपन के नहीं है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं, इंसान का थोपड़ा देकर समझ लेती हूँ कि उसके मन में क्या है। अपन भी केवल मन देखता है, ब्यूटी की वैल्यू नहीं है। तू तो स्टूडेंट है, साइकेट्रिस्ट नहीं है और ना ही बनेगी। What? क्योंकि इस प्रोफेशन के लिए जरूरी होता है पेशेंस, और वो तुझ में
पेशेंस के लिए अच्छा भाषण दे रहा है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा। दिखने में तो होमली लगती है लेकिन बातें होमली नहीं है। तू ज्यादा बातें मत बना, यहाँ मैं देवी की पूजा करने के लिए आई हूँ और तू उल्टा सीधा बोले जा रहा है। तो पॉजिटिवली सोचना, नारियल से चोट लगने वाली थी इसलिए बचा लिया, उसके लिए इतनी सारी बातें सुना रही है। मुझे क्या जोजी में आकर? हाँ हाँ करूँगी। तूने यहाँ मेरा मन दुखाया, तेरा एक्सीडेंट हो जाए मर जाए तो मैं विशेष पूजा करवाऊंगी। क्या रे, आज कितनी गाड़ियाँ सीज की हैं? 15 गाड़ी सीज की हैं। सहानी, हाँ हमारा जो लाइसेंस है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया और उस इंजीनियर का ट्रांसफर कर दिया है। शिट, जरा सा मिस हो गया, नहीं तो मैंने उस कमीने को पहले ही टपका दिया होता। उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगर वो उस दिन ऑटो स्टैंड पर नहीं गया होता ना तो वो इंजीनियर अब तक मर गया होता। लेकिन उस ड्राइवर ने हमारा टारगेट बेकार कर दिया। और ये है ना, इसने जो कुल्हाड़ी फेंकी उससे ऑटो का फ्रंट ग्लास पूरा चकनाचूर हो गया। उसके लिए उसने हमें कुत्ते की तरह मारा। ये देखो उसकी गाड़ी में जो ग्लास लगवाया उसका बिल। क्या कहा, ग्लास भी लगा के दिया? ग्लास लगवा कर सब क्लियर कर दिया। तेरे बीच में मैं नहीं आऊंगा, मेरे बीच में तू मत आना। कैसा रहा? तेरी तो। ए रुक्मणी, ये क्या तू यहाँ आके बैठी हुई है? मैं तुझे कैंटीन में ढूंढ रही थी। प्रेम दिखाई नहीं देता सच है, और प्रेमिका भी नहीं। प्रेम यदि दिख जाए तो प्रेमिका भी दिख जाएगी। वाओ, ब्यूटीफुल लाइंस। प्यार को बहुत बढ़िया प्रेजेंट किया है। किसने लिखा है? तुमने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है? एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था। कहीं भी लिखा हो, लेकिन साइकेट्रिस्ट बनने के बदले तू कवियत्री जरूर बन जाएगी। कवि लोग भी एक तरह से साइकेट्रिस्ट ही होते हैं। कितने लोगों को वो अपनी कविताओं से खुश किया करते हैं। ऐसी लाइनों में बहुत ताकत हुआ करती है। इससे जिंदगी में बहुत सीखने को मिलता है। वो समय अलग होता है। चाहे कोई भी समय हो, दिमाग काम करता है ना। अच्छा सुन, कोई दृष्टिहीन किसी रोड को 4-5 बार क्रॉस करता है और उसके दिमाग में उस रोड का एक प्रकार का नक्शा बन जाता है और उसके बाद अपने दिमाग से उस रोड को आराम से क्रॉस करता है। तो इसे क्रिएट किया ब्रेन ने ही ना। एंड अगेन इट्स अ पावर ऑफ ब्रेन है ना, और वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता है ना। तो ठीक है, हमारे कॉलेज रोड पे उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सपोज अपनी आँखों पर कपड़ा बांधकर तुझे अगर गाड़ी चलानी पड़ जाए तो क्या होगा पता है? क्यों क्या होगा? अगर मन कंट्रोल में होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं जरूर गाड़ी चलाऊंगी। ए सामने ऑटो आ रही है। ऑटो आ रही है राइट में। तू लेफ्ट में आ, लेफ्ट में आ, लेफ्ट में आ। ए राइट राइट राइट। ओहो, ए कौन है री? तू पागल हो गई क्या जो आंखों में पट्टी बांध के गाड़ी चला रही है? ओ ये तो मंदिर वाला केस है। उस दिन मंदिर में मेरा एक्सीडेंट करवाने के लिए देवी से मन्नत मांग रही थी और आज ये खुद एक्सीडेंट करने चली आई। मैंने आंखें बंद की थी कुछ सीखने के लिए, लेकिन अब तो मेरा दिल करता है कि मैं तेरा खून चूस लूं। ओहो, तू क्या राक्षसों के वंश की है? खिसके लिए खोपड़ी, जब देखो मरने मरने की बात करती है। तू ये खिसके लिए खोपड़ी बोलना बंद कर दे। अच्छा मैंने आंखों में पट्टी बांधी थी लेकिन तेरी आंखें तो खुली थी ना, और तुझे सामने दिखाई नहीं दिया। साइड से जाना था ना? ए साइड में ही जा रहा था, बीच में आया होता ना तो भैया के बीच में आकर स्वर्ग सिधार गई होती। मैं स्वर्ग सिधार जाती? तू स्वर्ग सिधारेगा? लड़कियों को देखकर तुम लोग ऐसे ही क्या करते हो? अच्छे से कपड़े वपड़े पहनकर कॉलेज के आगे चक्कर लगाते हो। मैं सब जानती हूँ। लड़की का बैकग्राउंड जानकर उसे पटाकर फिर जिंदगी में सेट हो जाते हो। देख अपनी रनिंग कमेंट्री बंद कर दे, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगी तू। ए तू अपने बारे में सोच पछताएगा। तू तो पैसेंजर है, ओनर से कैसे बात करते है तुझे पता नहीं क्या? ओनर ही हूँ मैं, इसका ओनर हूँ। तो तेरी ऑटो का ये ड्राइवर है क्या? इतना गिरा हुआ लेवल, दिखने में तो तू भी गिरा हुआ लगता है। गिरा हुआ किसको बोल रही है? अगर गिर गया ना, इसके बारे में नहीं जानती है तू, बिना जाने भूले जा रही है। एक लड़की है इसलिए अपन खामोश है। तुम सारे लड़के लोग एक ही डायलॉग क्यों बोलते हो? क्यों तो क्या कर लेगा? क्या क्या कर सकता हूँ ये तो तू खुद इमेजिन करके देख ले। यू माता चामुंडेश्वरी, उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए कहा था, तूने मेरा ही एक्सीडेंट करवा दिया। माँ ऐसा क्यों? वो भी तेरा भक्त है इसलिए तू कंफ्यूज हो गई क्या? रुको 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 रुको, साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, साइड में लगा। क्या हुआ सर? चल जाके साहब से मिल ले। हाँ जाओ। नमस्ते सर। हाँ हाँ, पीछे की सीट पे रखा हुआ। अच्छा, है अच्छा, सीट लगाई जाती है पैसेंजरों के लिए, लगेज के लिए नहीं। चल निकाल 100 रुपए। ये क्या सर, दिन भर की कमाई भी नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे लेकर ही तो तूने बोरी अंदर रखी है ना। रेशम की बोरी है सर, बारिश आने वाली बोलकर रिक्वेस्ट करी थी। कोई भी रिक्वेस्ट रूल तोड़ने के लिए नहीं होती। ये तो ठीक है कि मैंने पेनाल्टी नहीं लगाई है। सर रूल्स है मैं मानता हूँ, ठीक है सर,
लेकिन इसके अलावा भी बहुत रूल्स हैं, लेकिन हर जगह पे कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होता ना। तो तू मुझे कानून के बारे में समझाएगा? चल जल्दी से फाइन भर। सर, सर सर ए प्रसाद, बोरी जरा निकाल के चेक कर ले। जी अच्छा। 100 किलो वजन है साहब जी, रेशम है इसलिए पानी में भीग के बेकार हो जाता। ऑटो में रखने के लिए मैंने ही इसे कहा था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। ओए तू इसका सपोर्ट मत कर। प्रसाद फुल चेक कर ले और लगेज के साथ ऑटो सीज कर दे। अरे नहीं साहब जी, बोरी मत बाहर निकालो, बोरी बाहर मत निकालो, पानी में गिर खराब हो जाएगा। अरे इंसान अपना काम कमाने के लिए यही करता है। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट में साल भर की कमाई बर्बाद कर दी, इससे फायदा किसका होगा बोलिए? इसके लॉस की भरपाई कौन करेगा? उसके लॉस की छोड़, पहले कोर्ट में जा, पैसेंजर वाली ऑटो में 500 किलो रेशम भरा है उसके लिए फाइन भर के आ जा। क्या 500 किलो? और नहीं तो क्या, जब तूने 100 की मेरी बात नहीं समझी। 100 का 500 हो जाता है, 500 का 1000 हो जाता है। ऑटो नंबर KA03D171। ऑटो के अंदर 500 किलो वजन भरा हुआ था? जी हाँ सर। 1000 रुपए फाइन भरो। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी, ऊपर से बड़े अधिकारी को फोन करके इन्फ्लुएंस दिखाया, उससे कुछ नहीं होगा। 1 मिनट रुको, देख लिया भैया, मंदिर में जिस तरह से पूजा करते हैं वैसे भगवान को भेंट चढ़ा के आ गया। भगवान को पैसे चढ़ाओ तो वो मंदिर में जाता है, पुजारी के थाल में चढ़ाने से उस पुजारी का घर चलता है। प्रसाद इसकी ऑटो को रिहा कर दे। जय राम जी के साहब। अब क्या है? ऑटो तो है लेकिन उसके अंदर जो माल था वो जरा सा कम लग रहा है। अच्छा, तू कोर्ट में जाकर जुर्माना भर के आ गया है, आधे दिन तक तेरी ऑटो खड़ी रही, उसकी जवाबदारी हमें उठानी पड़ी। चाहे कुछ भी हो, जुर्माना भर के भी तेरी चर्बी कम नहीं हुई। अपुन की ऑटो खड़ी रहती है लेकिन उसका मीटर घूमता ही रहता है। हाँ? उसका पैसा कौन देगा? तुम दोगे। 1 किलो रेशम की कीमत क्या होती है? 1800 रुपए। और 100 किलो की? पूरे 180,000 रुपए। तो 500 किलो का कितना हुआ? पूरे 900,000 रुपए। ये तू क्या बोल रहा है? 500 किलो रेशम की कीमत बोल रहा हूँ। मैंने कब कहा? 500 किलो रेशम का फाइन भर के आ रहा हूँ, और वो 500 किलो तुमने अपने हाथों से लिखा। क्यों मुझे धमकी दे रहा है? घंट बजा के रख दूंगा, एक जरा सी गलती कितनी भारी पड़ती है, अब समझ में आ गया। अरे ये सब छोड़ो, इस मैटर को यहीं सेटल करोगे या कोर्ट में जाकर? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? जब किसान की बात आती है ना, अपन बहुत सीरियस हो जाता है। देख क्या रहे हो, रेशम का माल देते हो या पैसा? 900,000 रुपए? मेरे पास तो 9,000 भी नहीं है। 500 किलो के माल के लिए कोर्ट की मोहर लगी है। सुनो भैया, मैं तो रिश्वत लेता हूँ लेकिन तुम चालाकी से एक पुलिस वाले को ही चूना लगा रहे हो। रूल्स फॉलो करने वाले से भी जब रिश्वत ली जाती है तो उसकी यही सजा होती है। ये सारी बातें छोड़ो, पहले पैसे निकालो। मैं गलती मानता हूँ, जिससे भी मैंने रिश्वत ली मैं उन्हें लौटा दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं उनसे। इस दुनिया में चाहे तुम किसी को भी इज्जत दो, लेकिन सबसे पहले किसान को इज्जत देना सीखो, उनका भूल से भी अपमान मत करना। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर उसे कुछ हो गया तो ये देश खत्म हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपका नुकसान मैं खुद भरूंगा। अगर हमारे डिपार्टमेंट में रिश्वत लेने वाले ऑफिसरों को रोज ऐसा बंदा टकराए तो हमारा डिपार्टमेंट करप्शन से फ्री हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, गलती मेरी थी और मैंने बेकार में उसके साथ झगड़ा किया, उससे माफी मांगनी चाहिए। हेलो प्रेम दिखाई नहीं देता, सच है प्रेमिका भी। तो वो फोटो, ये लो तुम्हारी की। पहले जुर्माना भरे बिना इस थाने से गाड़ी बाहर नहीं निकलती थी। हे कविता, आज मैं उससे मिली थी। किससे? वही प्रेम दिखाई नहीं देता, सच है प्रेमिका भी नहीं। ओ मिल गया क्या? बात की उससे? क्या कहा उसे देखकर? अरे वो जिसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वही है वो। मैंने कहा था ना तुझे कि वो एकदम बिल्कुल हीरो की तरह है, तूने ही उसे विलन बनाया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। ही इज रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, पता है?
क्यों रुक्मणी, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई है? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ मैंने जबरदस्ती बेकार का झगड़ा किया। बहुत गिल्टी फील हो रही है, उससे मैं मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो जी में आए करो, कोई भी लव स्टोरी सॉरी से ही शुरू होती है। पता नहीं कविता, सबसे पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तेरी बातों से तो लगता है कि तुझे प्यार हो गया है। ये तो क्या बोल रही है, देवी ने तुम्हारी मुलाकात कराई थी ना? मुझे उनके जरिए नहीं मिलना है, उससे डायरेक्ट मिलना है। चला बैठ जा। ए, वो देख, वो वहाँ है। ए, हाँ भैया। एक पान लगा 420 या 840, मुझे कौन सा सूट करेगा? 420। हे ऑटो। कौन ऑटो बोल रहा है? अरे बाप रे, ये तो वही है, भाग बैठे। हेलो, अरे ए, चल तो जल्दी बैठ। अरे जयसिंह, देखो वन वे में गाड़ी आ रही है। ओके मैडम। ओए ओए, गाड़ी रोक, बाहर निकल बाहर। ए मोटे, इस वन वे में क्यों आया? वो दरअसल मैडम क्या है कि तेरी इतनी हिम्मत, जो वन वे रोड में आकर सर्कस कर रहा था, सबसे पहले तेरा लाइसेंस कैंसिल करूंगी। तुझे मैं बुलाई तो रही थी, इसमें मैंने गलत क्या किया? अच्छा, तो झगड़ा करके आया है? मैडम दरअसल मैं सब जानती हूँ, इसने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया होगा, जरूर कोई बड़ा कांड करके आया है। यू कैन टेक हिम। अरे मैडम ऐसा नहीं है, मर गया रे। तू क्या समझता है, बच के भाग जाएगा? अगर तू जमीन के अंदर भी समझ आएगा ना, तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, निकाल के ले आऊंगी। क्यों निकाल के ले आएगी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? किया कुछ नहीं है, तू अपने गुरु के बारे में मुझे कुछ बताएगा? ओह, गुरु के बारे में? पढ़ाने वाला नचाने वाला ऐसे बहुत से गुरु है। नहीं बताने के लिए तू इतना फैल क्यों रहा है? तू क्या गामा पहलवान है या दारा सिंह है? रोड पर चलती लड़की को छेड़ता है ऐसा केस बनवाकर महिला आयोग को भी रिपोर्ट देकर तुझे तो? तू अपने हीरो से मिलने के लिए मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रही है? जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, नहीं तो यहीं पे तेरा मर्डर कर दूंगी। अगर मेरा मर्डर करेगी तो गुरु से कौन मिलाएगा? तेरी डेड बॉडी देखने आएगा ना, तो उसे पूछ लूंगी। ये मर्डर भी कर सकती है। सुन, तू अपने लव मैटर के बीच में मुझे क्यों घसीट रही है? जब जान गया है कि ये लव मैटर है तो समझदारी दिखानी चाहिए ना, उससे लव करवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो उससे बस कनेक्ट करवा दे। यानी मैं बीच वाला हूँ? ए थू, ये मुझसे नहीं होगा, मैं उसका घर नहीं जानता। जानता नहीं, ये झूठ बोल रहा है। चुपचाप गाड़ी चला। उतरो, ये रहा उसका घर। ये उसका घर है? हाय, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। नीचे उतर। सच बोल रहे हो? अरे तू पहले नीचे उतर ना, पहले पूछना उसके बाद बैठना, पहले से मत बैठना। विजयनगर के लिए चलोगे? नहीं जाना है। हनुमंत नगर? नहीं जाना है। गांधी पार्क? नहीं जाना है। लालबाग? बिल्कुल नहीं। लिंकिंग रोड? नहीं जाना है। तो फिर तुम कहाँ चलोगे? जहाँ मुझे जाना होगा मैं जाऊँगा। ठीक है, जहाँ तुम चलोगे मैं भी साथ में चलूंगी। जब अपन का जाने का मूड होगा ना, तभी अपन जाएगा। ये तो गलत है ना, ये पब्लिक सर्विस के लिए ही तो है ना, सेवा सम्मान से करनी चाहिए। ये अपन को तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। तुझे जाना कहाँ है? विजयनगर जाना है। आई एम सॉरी। सॉरी मैं तुमसे ही बोल रही हूँ, तुम्हारे बारे में ठीक से जाने बिना उस दिन मंदिर में तुमसे झगड़ा किया, जबकि गलती मेरी थी और देवी से तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना चाहा, मुझे गुस्सा आ गया था। मगर जब मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन में देखा तो तुम कितने अच्छे हो ये मैंने जाना। बस कर, उस दिन मंदिर में जब मैंने तुझे बचाया तो पता नहीं क्या क्या बोलकर मरने का श्राप दिया। अरे नहीं नहीं, वो सब तो मैंने कैंसिल करवा दिया। ओह, देवी माँ क्या तुमसे इतनी क्लोज है? हाँ, वैसे हमारी मुलाकात होने से पहले एक दिन तुम हमारे घर आए थे। मैं आया? हाँ, वो मैं एक ऑटो के अंदर देवी चामुंडेश्वरी का फोटो भूल गई थी, तुम्हें तो लाकर घर पे दिया था। ओह, तो वो तेरा घर है? हाँ। तू बहुत शानी है, अब उनके बारे में बहुत कुछ जान के रखा है, तुझे क्या चाहिए? यही कि तुम मुझे माफ कर दो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ और मुझसे माफी मांगने मेरे घर तक आ गई। आई लाइक इट। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। यहाँ आने के लिए ऑटो क्यों ली? कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती थी इसलिए ऑटो में आई। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम्हारे ऑटो के पीछे जो लाइनें लिखी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी। गोविंदा गोविंदा माँ चामुंडेश्वरी, सबकी रक्षा करना, भक्तों की मनोकामना पूरी करना। गोविंदा गो
अरे पिताजी ये क्या है? राजा, देवी की आराधना करके फूल चढ़ा के तेरे लिए स्पेशल पूजा की है। आरती ले ले, आरती ले ले। सुबह सुबह भगवान की आरती और रात में बोतल की आरती। तू मेरी भावनाओं को समझता क्यों नहीं है? अरे मेरे समझने ना समझने से क्या फायदा, ये सब उसी के लिए है ना। तू मुझे बहुत हर्ट कर रहा है राजा, मेरी फीलिंग्स को कोई समझता ही नहीं है अंबुजा। अरे चुप। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना, वो दादा बन गए हैं, अपने अपने पोतों के साथ में खेलते हैं, उन्हें गोद में लेके ऐसे करके सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं पता है, लेकिन मैं अकेला गेंडे की तरह घूमता रहता हूँ। एक कुत्ता भी मेरे पास नहीं है। तो अब क्या है, एक कुत्ता चाहिए ना, उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ए, कुत्ता किसे चाहिए, वो तो गली में बहुत सारे हैं, मुझे घर में बहू चाहिए। ओहो, इसका मतलब मेरी शादी करवाना चाहते हो? ए, अभी नहीं, अभी मेरे पैर जमे नहीं है, अभी सेटल नहीं हुआ, ऐसा कुछ बोला ना तो ऊपर छत पे जाके वहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। उसके बाद तो अपना मसाला अपने आप ही पीसते रहना। क्या बात है, आज सुबह सुबह बाप बेटे में ठन गई है क्या? व्हाट राम, ओ सॉरी रमना जी, ये पुजारी क्यों बन गए? हाथ में पूजा की थाली रखकर इसके लिए पूजा करता रहता हूँ, इसीलिए ऐसे पहना। राजा राजा, तू तो मेरा राजकुमार है, तू अगर मान जाएगा तो इस घर में राजकुमारी आ जाएगी। मैरिज ब्रोकर को मैं बोल देता हूँ। अरे छोड़ो ना। अरे रमना जी, तुम बेकार की बात क्यों कर रहे हो? छोकरा अभी तक शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और तुम बारात निकालने का बोल रहे हो। ए, मेरे शांत मन में हलचल मचाने की कोशिश मत कर, देख देख मेरी बात मान ले। ए, इस घर में महालक्ष्मी नहीं आएगी तो इसमें रहने की क्या जरूरत है, ये घर ही हमें नहीं चाहिए। अंबुजा बापू, एक्सक्यूज मी। लक्ष्मी? नहीं नहीं, मैं रुक्मिणी हूँ, राजा से मिलने के लिए आई हूँ। पिताजी, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ओहो, हाँ बेटी आ जाओ। एक्चुअली इनके साथ मुझे एक प्रोजेक्ट के विषय में बात करनी थी, उसी के लिए आई। इसे कोई और प्रोजेक्ट नहीं आता है, ये ऑटो प्रोजेक्ट में बिजी है। ये तो क्या कह रहा है, तेरा तो दिमाग भी मोटा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। वो इतनी दूर से आई है राजा से मदद मांगने के लिए, अगर उसे मना करेंगे तो। रमना जी, इसका फोटो। अभी से क्यों, पहले इनविटेशन के लेवल पे आने दे, तो जा ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू अंकल, यहाँ पर अक्सर आते रहना। सही जा रहे बाप बेटे। चिपका के रखूंगा। आ जाओ। वाव, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये गार्डन, लेकिन बेचारे पंछियों को तुमने पिंजरे में बंद कर रखा है। क्यों? और नहीं तो क्या, पूरे शहर में बिल्डिंगें बनी हुई है और बेचारे पंछियों के लिए जरा सी भी जगह बची नहीं है, और ऊपर से तुमने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया इसीलिए। वो तो ठीक है, यहाँ क्यों आई? ऑटो के पीछे, बस के पीछे, लॉरी के पीछे जो लाइनें लिखी होती है ना, हाँ। उन लाइनों को कलेक्ट करके उनमें से जो अच्छी लाइनें होंगी उन्हें सेलेक्ट करके मैं एक बुक लिखने की सोच रही हूँ। ऑटो के पीछे जो लाइन लिखी जाती है वो ऐसे ही लिख देते हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को खुशी देती हैं। अगर सच में कहे तो कई बार लाइफ में सही डिसीजन के लिए अच्छे स्टेटमेंट्स होते हैं। इतना ही नहीं, कईयों की जिंदगियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मेरे प्रोजेक्ट के लिए तुम मेरे बहुत काम आओगे। मेरा तो सिद्धांत यही है कि मैं हर किसी की मदद करता रहूं। कुछ ऑटो पर क्या लिखते हैं, माता पिता का आशीर्वाद, यानी उसे माता पिता पर गर्व है। कुछ लोग देश के बारे में लिखते हैं, यानी उन्हें देश के ऊपर सबसे ज्यादा अभिमान है। और कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कुछ लोग प्यार में धोखा खाते हैं, लव डिसअपॉइंटमेंट, ये नहीं है वो नहीं है, उसके बारे में लिखते हैं। कुछ लोग एकता के बारे में लिखते हैं, ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट, ईश्वर की कृपा लिखते हैं, यानी ईश्वर पे भक्ति, दिल का निशान, लव एक्सप्रेशन। ऐसे समझ लो हर एक लाइन में एटीट्यूड, नेचर, गोल, फीलिंग्स, ये सब दिखाई देती है। क्या बोलती हो? दूसरों की लाइनों के बारे में तो बोल दिया, तुम्हारी ऑटो पे जो लाइंस लिखी हैं? क्या मेरी? सारे थी की ऑटो कृष्णा का रथ है, रथ है कृष्ण का। उस रथ के लिए ये कृष्ण ही सारथी है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ उस पर लिखी लाइनों के बारे में। अच्छा, वो प्रेम दिखता नहीं सच है, प्रेमिका भी नहीं दिखती, और अगर प्रेम कहीं दिख जाता है तो? ऐसे ही मेरे मन में आया था, मैंने ऑटो पर लिखवा दिया। प्रेम का कनेक्शन हमेशा मन से ही तो होता है, और इसीलिए मन की बात मान लो। अभी तुम्हारी रिसर्च खत्म नहीं हुई, ड्यूटी का टाइम हो गया है। अच्छा राजा, तो मैं चलती हूँ। सर, मेरे ऑटो की लोन एकदम क्लियर है, लगता है भूल से तुम्हारे आदमियों ने हमारी ऑटो सीज की है। अगर ये बात गुरु को पता चल गई तो यहाँ बहुत बुरा होगा, इसलिए ऑटो छोड़ दो। क्यों, हमें धमकी दे रहा है? ये तो ठीक है कि तुम इस समय मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन ऑटो सीज करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तेरी क्लास हम ले रहे हैं या हमारी क्लास तू ले रहा है? तुम्हें देख लिया,
अरे गहरे नत्थु खैरों से आजकल भाषण सुनना पड़ता है। यह है कौन? वही ऑटो ड्राइवर वाले अड्डे से आया हुआ है। आजकल वहाँ की पब्लिक में हमारा कोई डर ही नहीं है। उसे निगलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने जिस पब्लिक के बीच में तुम्हें मारा था उसी पब्लिक के बीच में मैं उसे टपका दूंगा। सहानी, हमें मारने वाला यही है। डर के मारे भाग कर क्यों आए? सहानी, जरा रिवाइंड करके देखो। जितनी देर तक तू अपने दिमाग में सोचेगा उतनी देर में मैं निपटा दूंगा। तू किसके साथ भिड़ रहा है जानता है? तू नहीं जानता है। तू तो खुद भी अपने आप को नहीं जानता है। कौन मैं? अपनी यहाँ का सबसे बड़ा भाई है। लेकिन इस वक्त जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे से भी बहुत बड़ा भाई है। लोन देने के लिए बैंकों से हजार बार फोन करते हैं और रिकवरी का काम तुम जैसे गुंडों को देते हैं। मैं शराफत से बोल रहा हूँ, जितनी भी गाड़ियाँ सीज की हैं रिलीज कर दे। नहीं तो मैं तेरे सारे धंधे सीज कर दूंगा। वो जिंदगी में कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। ये लगता है ऐसे नहीं मानेगा, टपका दो इसे। गुरु, तुम मुझसे कंप्रोमाइज मत करना, मैं चलता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं सारी गाड़ियां रिलीज कर दूंगा, अब से ये धंधा भी छोड़ दूंगा। पहले इस फील्ड को अच्छी तरह से समझ ले। इसमें जरूरी नहीं कि सारे लोग शरीफ होते हैं, कई लोग इसमें तुम्हारे भी बाप होते हैं। सानी, क्यों, कैसा चल रहा है कारोबार? कार भी नहीं है, बार भी नहीं है, सब खत्म हो गया। ये तू क्या बोल रहा है? हमारा साम्राज्य ही मिट्टी में मिल गया। अबे ठीक से बोल। हमारे काफी लोग अंदर हो गए, हमारा लाइसेंस भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ब्लैक लिस्ट कर दिया है? ये पहले क्यों नहीं बताया? दरअसल हमारा बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया है, ये बात तुम्हें बताकर टेंशन नहीं देना चाहता था, इसीलिए चुप रहा। लेकिन इन सब का कारण कोई और नहीं, एक ऑटो ड्राइवर है। बस एक मामूली से ऑटो ड्राइवर ने, और ये बोलने के लिए मुझे फोन किया, शर्म नहीं आती है? मेरे पहुंचने से पहले उसका काम तमाम कर देना। मैं आज ही वापस लौट रहा हूँ, जब तक उसे टपकाओगे नहीं मुझे फोन मत करना। तुम दोनों यहीं पे रहना, तो मैं तैयार कर दिया है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। आ गया रे, आ जा। क्या हुआ रमना जी, आज सुबह सुबह दुकान लगा ली है? अरे ओ जंगली कहीं के, आज जन्मदिन है, जन्मदिन। पता नहीं किसका जन्मदिन है। ए मोटे, किसी महानुभाव के जन्मदिन के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, मैं जाके फ्राई करके लेके आता हूँ। अभी आता। अरे वाह, अरे ये क्या है आज सुबह सुबह? आओ राजा, आओ, किसी महानुभाव का बर्थडे बोल रहे हैं, अच्छा हुआ तू भी आ गया। हे, अरे क्यों बेकार में किसी के जन्मदिन की बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो, हम तीन लोगों को छोड़ के पिताजी का भला और कौन है? अगर हम में से किसी का बर्थडे नहीं है तो पिताजी का ही होगा ना। हो, कोल्ड ड्रिंक स्वीट हो तो किसे नहीं पीना चाहिए? शुगर पेशेंट्स को पीना नहीं चाहिए। अरे वाह, क्या बात कही है तूने। और नहीं तो क्या, आजकल टीवी में सब दिखाते नहीं है क्या? वहीं से जाना, पार्टी कर रहे। ला 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 ला। अंकल,
अरे रे रुक्मणी, तू कब आई? मुझे आए काफी देर हो गई, ऊपर राजा को देखने गई थी। उससे मिलने के लिए? हाँ, घर में सब अच्छे हैं, तुम अच्छी हो? हाँ अच्छी हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहती थी। हाँ बोलना बेटी बोलना। आप इस घर में ईश्वर की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन फिर भी पूरा घर संभालते हैं। क्यों कोई डाउट है? मैं अपने बच्चों के लिए टाइम पास करता हूँ और वो तीनों बहुत चाहते हैं। चीची ऐसा नहीं है, आपके जो बेटे हैं ना उनमें से एक जो है ना वो मोटा, उसके नाम से ही अजीब सा होता है। तो सही कह रही है, बहुत गंदा रहता है, मुझे तो कभी कभी उल्टी आ जाती है, लेकिन मैं क्या करूं? अंकल आपसे छुपकर वो तीनों के तीनों छत पर शराब पी रहे हैं। ये तो क्या कह रही बेटी? वही अंकल, रम विस्की ब्रांडी जिन सारी की सारी बोतलें रखी हुई हैं। तूने ये जो कहा ये सब तो बाहर में मिलती हैं, तू वहीं देखकर आई है ना? ये सब आपके छत पर अंकल। और मुझे पता ही नहीं, मेरे घर को बाहर बना दिया है अंबुजा। इसीलिए मैं कहता हूँ घर में औरत का होना जरूरी है, क्योंकि औरतों की नाक बहुत तेज होती है, कोई सिगरेट भी पीता है तो वो झट से पहचान लेती है, और यहाँ मेरे सर के ऊपर सब हो रहा है और मुझे उसकी बास तक नहीं आ रही है। बास तो आ रही है, लेकिन आप पीते नहीं है ना, आप बेचारे हैं इसलिए उस स्मेल को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अंबुजा 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 अंबुजा, ये इस घर में ये सब क्या हो रहा है? अंबुजा, जिंदगी का फर्स्ट हाफ चल रहा था लेकिन आज से सेकंड हाफ शुरू हो गया। अंबुजा, ये अंबुजा कौन है अंकल? अंबुजा, ओहो ये तो पंडरी बाई है ना अंकल। ये फिल्मों में कितनों की माँ बनी है, मेरे बेटे की माँ नहीं बन पाई। चलो ऊपर, और ऊपर जाकर उनके खबर लेते हैं, चलो जल्दी। देखिए कितनी सारी बोतलें हैं। अरे ये क्या है रे, इस घर को बार बना दिया है क्या रे? तुमने मेरे घर को क्या होटल समझ रखा है? तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हो? इसीलिए कहता हूँ घर में औरत चाहिए। जरा सा भी डरे ही नहीं। ये कौन सा नाटक है? ए, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप हूँ। ये बात मैं जानता नहीं, इसलिए तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। राजा, इन लफंगों के साथ मिलके तू भी ऐसा बन गया। ऐसा ही रहा तो तुम बाल डांसरों को भी लेकर आ जाओगे अंबुजा। ए, चुप, ये सब क्या है? देखा बेटी ये क्या कह रहा है? हेलो रमणा जी, वहाँ जो इतनी सारी बोतलें पड़ी हुई है ना, वो ऐसे खाली नहीं हुई है, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कभी पी ही नहीं है। हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। अरे ओ दुश्मन, ये पी पी कर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए ऐसा बोले जा रहे हो? अरे रे रमणा जी, मेरे सर की कसम खाओ। अंकल आप ही इस गैंग के लीडर हैं क्या? मैं क्या करूं बेटी, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, इसी फीलिंग्स में इन लोगों के साथ रहकर थोड़ी बहुत खुशी बांट लेता हूं। और राजा? अरे नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अंकल आप जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती ये थी? बात कहीं मैं भी तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ बेटी। तो आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है, ऐसा मुझसे झूठ क्यों बोला? और मैं क्या कहता, तुमने आते ही मैं बहुत अच्छा हूँ, जैसा ही तुमने कहा ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इस बात को मेंटेन किया, गलती मेरी है। शराब पीना बुरी बात है ना? हाँ, जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना उसी दिन से मैं ये सब छोड़ दूंगा। शादी के बारे में बेकार में क्यों फील कर रहे हो? देख लिया ना बेटी, शादी की बात करते है कैसे ये मुझ पे चिल्लाने लगता है। दरअसल अंकल बेचारा पता नहीं किसी लड़की से प्रेम करता होगा। इसके चाहने से क्या होता है, लड़की भी तो पसंद करे। बेटी तू पसंद करती है क्या? मैं? मैंने सोचा तुम पसंद करती हो। मैं थोड़ी ना अंकल। तो क्या मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी अंकल, लेकिन राजा स्वीकार करेगा तो? हाँ तो बोल ना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो जल्दी ही अच्छी न्यूज दूंगी, मैं चलती हूँ। माते, मेरी और राजा की जो पहली मुलाकात हुई तुम्हारी सन्निधि में हुई। राजा का हमारे घर तुम्हारा फोटो लेकर आना, फिर एक्सीडेंट होना, ये सब देखें तो लगता है हमारे बीच जरूर किसी न किसी जन्म का रिश्ता है। राजा से मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ। राजा से मेरे प्यार के बारे में तुम्हें ही बताना होगा, वो स्वीकार कर ले, उसके लिए हमारे प्यार को आशीर्वाद दो माते। राजा चल नाश्ता कर ले। अरे बाबू मैं बाद में कर लूंगा। अरे उसके बाद में बहुत बिजी हो जाऊंगा। अरे तुम जाओ ना। पता नहीं क्या हो गया।
तू है। सुबह सुबह टायर पंचर हो गया, ये जब देखो किसी के ख्यालों में रहने लग गया। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि प्रताप का भी मुहूर्त फिक्स हो गया है। क्या कहा, भाई का मुहूर्त फिक्स हो गया? hey, जरा वहाँ देखना, वो ऑटो राजा की मंगेतर है ना। जिस बात में उसका संबंध नहीं था उसके लिए हमें कुत्ते की तरह मारा, मगर ये लड़की तो उसी के संबंध की बात है। ये तो बहुत बढ़िया मौका है, ऑटो राजा को अपने लोगों के साथ आने दो, वहीं टपकाएंगे। hey, स्कूटी गाड़ी में चलाओ। घर पे लाके छोड़ दिया सोच रही है। ऐ, जरा वहीं रोक, कल परसों में ही हमारी शादी होगी। शादी होगी इसलिए जरा सी फीलिंग्स आती है ना। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें जो इतनी छूट दे रखी है ना तुम्हारे माँ बाप ने, उनकी है। पढ़ाने दिया, मैंने बोला भी ज्यादा मत पढ़ाओ, नहीं माने। प्रताप तू चाइना से कब आया? कल रात को ही आया आंटी। अच्छे हो ना अंकल? हाँ अच्छा हूँ। आंटी इसका एजुकेशन पूरा होने तक इसका ये घूमना फिरना जरा कम करा दो, जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी उसके अगले दिन हमारी शादी करा दोगी ना? हाँ, तुम्हें शादी की बहुत जल्दी लगी है, देखो मेरी बेटी कहीं भागने वाली नहीं है। कहीं भाग जाएगी इसका डर मुझे नहीं है, वो इसलिए कि मेरे बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब बस थोड़े दिन और। मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग खुद हमारी शादी की तारीख पक्की करते हो या मैं खुद फिक्स कर दूँ? शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी होता है, अच्छा दिन देखकर अच्छा मुहूर्त निकालना पड़ता है। इस नवरात्रि पर गांव में आएंगे ना, वहीं ये सब देखकर फिक्स कर देना। ये तुम क्या बोल रहे हो, हमारे गांव में नवरात्रि मनाए पूरे 26 साल हो गए, क्योंकि सूर्यनारायण की विजयदशमी के दिन ही मौत हो गई थी। गुरु जी को प्रेरणा मिली है कि इस साल देवी का उत्सव मनाया जाए, पिताजी ने फोन करके बुलाया, इसी मौके पर शादी का मुहूर्त निकाल कर फिक्स कर देंगे तो अच्छा रहेगा, उसके लिए हम सब साथ में मिलकर गांव जाएंगे। ठीक है प्रताप, जैसा तुम चाहते हो होगा। रुक्मिणी की शादी फिक्स हो गई है इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएगी। शादी? ये तुझसे किसने कहा? ये सच है राजा। कविता, अचानक उसकी शादी फिक्स हो गई और मुझे बताया भी नहीं। उसकी शादी अचानक फिक्स नहीं हुई, कमिट तो बहुत पहले हो गया था। अगर ऐसा है तो मेरी ओर से ऑल द बेस्ट बोल देना। ये क्या राजा, उसकी शादी की खबर सुनते ही डल क्यों हो गया? ऐसी बात नहीं है यार, मैंने सोचा भी नहीं था और अचानक से ये न्यूज़, इसीलिए जरा एकदम से शॉक सा लगा। बस इतना ही ना? बोला ना इतना ही, और तो क्या बुलवाना चाहता है, चुपचाप रह। ए राजा, तूने क्या रुक्मिणी को नहीं चाहा? ये तो क्या बोल रहा है मोटे। ए, इतने सालों से तुझे देख रहा हूँ, तेरे दिल की बात नहीं जानूंगा क्या? अब उसके बारे में बात करना वेस्ट है, जब किसी लड़की की शादी तय हो जाती है तो चाहने से क्या फायदा। उसकी शादी फिक्स हुई है सच है, लेकिन उसकी मर्जी नहीं है, इसका कारण है उसी गांव का एक लड़का, और उसकी बात का विरोध करने वाला उस गांव में कोई भी नहीं है। उसने सोचा था कि वो तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी खुश रहेगी, लेकिन अचानक वो लड़का आके उसे ले गया। रुक्मिणी तुमसे बहुत प्यार करती है राजा। राजा
तूने उसके घर जाकर प्यार की शुरुआत की और उसने अपने प्यार का इजहार तुम्हारे घर आकर किया। वो अपने प्यार की बात तुमसे करने ही वाली थी कि अचानक वो यहाँ आ गया और जबरदस्ती शादी करने के लिए गांव ले जा रहा है। राजा, उसके साथ कुछ हो उससे पहले प्लीज तुम वहाँ चले जाओ, क्योंकि एक बार वो उस गांव में चली गई तो वापस आना मुश्किल है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। बेटी सुन, मेरे बेटे ने आज तक किसी का भी साथ नहीं छोड़ा और ऐसे में प्यार करने वाली का साथ छोड़ेगा? राजा, जिंदगी में भले ही तो किसी भी चीज को छोड़ रहने दे बोल दे, लेकिन प्यार को नहीं। जैसी मैंने चाही थी साक्षात लक्ष्मी तेरे जीवन में आई है। देवी चामुंडेश्वरी ने पहले ही तय कर दिया था कि मेरी बहू वही है। जा बेटे, उसे लेके आ जा। नहीं जाएगा तो मेरी कसम, चल। जल्दी आओ, जल्दी। अब मैं क्या करूं? तू बस गाड़ी चलाता रहे, मैं पीछे जाके देखता हूं। ठीक है राजा। राजा, राजा। Thank you.
माता चामुंडेश्वरी, 26 सालों के बाद तुम्हारी प्रेरणा से इस महापूजा का आयोजन कराया है। मैं तुम्हारी मूर्ति को पूर्ण अलंकृत करके विधि स्वरूप पूजा आरंभ करूंगा। देवी माँ, स्वीकार करना। ओहो, उन आदिवासियों की माला के बिना उत्सव मनाने की परिस्थिति आ गई। उनके विरोध में, उनका अहंकार तोड़ने के लिए क्या हमारे इस गांव के अंदर कोई भी मर्द नहीं है? देवी माँ, अब तो तुम ही हो। वो ब्रह्मांत्र मुझे देना। संभवामि युगे युगे। माजी, का देखत रही? पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। का बोल रही हैं? इतना साल बीतने के बाद कहां से आएगा? जरूर सपना देखी होंगी या फिर कौनो भरम होगा। देवी दर्शन को चलिए। नहीं, रहने दो भैया, देवी माँ का आशीर्वाद, गांव के ऊपर ही रहने दो। देवी माँ ने मेरे जीवन में जो प्रश्न खड़ा कर दिया है उसका उत्तर मिलने तक मैं उसके दर्शन नहीं करूंगी। तुम चले जाओ। रमणा जी, हम सही गांव में आए हैं, कहीं दूसरे गांव में तो नहीं आ गए? क्यों, पूरा गांव खाली खाली सा लग रहा है। लगता है जैसे शहरों में हड़ताल हुआ करती है वैसे ही गांव में भी हड़ताल होने लग गई है। अरे बाप रे, 26 साल के बाद हम ये जो उत्सव मना रहे हैं इस नवरात्रि में समस्त गांव के लोग पूजा करके प्रसन्नता के साथ उत्सव में देवी चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय चामुंडेश्वरी। हटो, चला रहे। तुम लोगों को तो गांव से निकाल दिया गया था ना, फिर यहाँ क्यों आए? वो भी आज के दिन त्योहार में भंग डालने के लिए आए हो? ए, अपना मुंह बंद कर। देवी के हार के बिना तुम त्योहार मनाने जा रहे हो और देवी को कुल देवी कहते हो? जय हो गुरुजी। हम लोग जंगल के वासी हैं, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। इस माला के अंदर देवी की शक्ति है और ये माला चढ़ाए बिना देवी की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। उसके लिए, इस माला को प्राप्त करने के लिए इस गांव को एक मौका देना चाहता हूँ, मगर उसके लिए हमारी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? जंगी कुश्ती, खतरनाक कुश्ती। अगर हमारे भाई जोरावर को किसी ने हरा दिया तो ये माला गाँव की। लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो ये गांव हमारा हो जाएगा और उसके लिए सब लोगों के सामने मर्दों के बीच में कुश्ती खेली जाएगी। ए गोरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात मेरे सामने बोलने की? हमने क्या हाथ में चूड़ियां पहनी है? क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं है? ए मंगल, एक ही झटके में उसे चित कर दे। ठीक है मालिक। Yeah!
से ऐसा लगता है जैसे दारा सिंह की कोई पुरानी फिल्म देख रहे हो और कुश्ती लड़ने का मन करता है। मिस्टर राजा, जल्दी से तुम अपनी रानी को ढूंढ लो, अगर ज्यादा डिले हुआ तो हमारे बदन पर एक कपड़ा भी नहीं बचेगा। दूंगा खींच के। ए, इसे किसी भी घर में ले जाके बंद कर देना। मुंह देखो कैसा लग रहा है, जैसे अभी अभी कब्रिस्तान में से निकल कर आया हो। ए राजा। हेलो हेलो, रुको, और कौन है लड़ने के लिए? आ जाओ आ जाओ। आओ आ जाओ, कोई भी आ जाए, जो भी आएगा उसे चीर डालूंगा। आओ आ जाओ, आओ आ जाओ। ये गांव हमारा हो गया। अब किसमें हिम्मत है जो आकर भिड़े? सबने चूड़ियां पहनी है क्या? रुको यहाँ। हेलो रुक। आजा, आजा! इस जोरावर से कुश्ती लड़ने के लिए लोहे का कलेजा चाहिए। इस गांव में लगता है कि तू ही अकेला मर्द है, तो तू ही आजा, चीर कर रख दूंगा, ये गांव हमारा हो जाएगा।
महानुभावा, तू इस गांव में आया है केवल गांव के मर्यादा के लिए नहीं, देवी माँ की शरण बजाने के लिए। तुझे यहाँ लाकर देवी नवरात्रि का उत्सव मनाना चाहती है। हमने हमारे फायदे के लिए ये कुश्ती रखवाई थी और वो पता नहीं कौन है कहाँ से आया, हमारा खेल ही बिगाड़ दिया। गांव की मुखिया की कुर्सी पर बैठने के लिए हमने ये कुश्ती इसलिए रखवाई थी कि गांव में उसे हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसने आकर जोरावर को मार के हमारे पूरे प्लान की वाट लगा दी। दुश्मन हम पर वार करे उससे पहले दुश्मन के ऊपर वार कर देना चाहिए। जय महिषासुर, इसका तोड़ निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस लड़के ने सारा काम बिगाड़ दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो इसमें क्या हमारी कोई गलती है? एक चटाक भर के लौंडे ने आकर, तुमने खुद आंखों से देखा ना, हमारे जोरावर को चित कर दिया और वो गांव का हीरो बन गया। इसमें गलती किसकी है? ध्यान रहे, शहर का लड़का है जो हमारे गांव में आया है और आते ही गांव के लोगों के सामने वो हीरो बन गया है। 26 साल से हम गांव से बाहर है और एक ही दिन में गांव उसका हो गया। ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। इस गांव में दूसरा शाही खून हमारा है, इसलिए मुखिया कोई और नहीं बन सकता। इसलिए मुखिया की कुर्सी पर बिठाने के लिए ना तो कोई और है और ना ही मिलेगा। देखना कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे गांव से हमें निकाल दिया, तुम्हें भी ना निकाल दे। मालकिन मालकिन मालकिन, माला लेकर आदिवासी आवत रहा है, पूरा गांव रहा है और उन लोगों ने ई गांव हड़पने खातिर एक शर्त रखी। देवी की कृपा से एक लड़का आ गया, उसने हमारे गांव की इज्जत बचा ली, उन आदिवासियों को उसने बढ़िया सबक सिखाया। वो लड़का है कौन? राजा। राजा, तू कैसे जानती है? वो मुंबई का ही है, ऑटो ड्राइवर है। ओह, यानी लड़के के बारे में सब जानती है? जानती हूँ। खैर उसकी बात छोड़ो, बाद में बात करेंगे, आज त्योहार का दिन है, पहले मुँह मीठा करे। ठीक है, लेकिन उससे पहले उस लड़के के बारे में कुछ बता, उसका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मेरी खातिर। यानी वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये बात मैंने माँ से भी नहीं बताई, बस आपसे बता रही हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो तेरी इच्छा के मुताबिक ही होगा। मैं भी तो आपकी बहू बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए राजा को आप अपना बेटा बना लीजिए बस। हाँ जरूर बेटी, तू अपने चाहने वाले से शादी करके खुश रहना, वो तो ठीक है। तू यहाँ से निकलेगी कैसे? वो खुद मुझे यहाँ से निकालेगा। मतलब वो इस महल के अंदर आ सकता है? प्रताप ने अगर ये जान लिया तो? अखाड़े में जब मैंने उसे देखा तो मैं भी डर गई थी, लेकिन अब डर नहीं है, 10 घोड़ों की शक्ति उसके अंदर बसी हुई है। जब मेरी खातिर उसने कुश्ती जीत ली तो महल में आने में कितनी देर। अगर यहाँ से कूदेंगे तो सारी बिरयानी निकल जाएगी। जिस महल की दीवार इतनी बड़ी होगी तो सोच ले कि महल कितना बड़ा होगा, अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। मेन डोर से एंट्री नहीं है, बैक डोर में इससे भी ज्यादा ऊंची दीवार बनाई हुई है। हाँ अगर तू उड़कर चला जाए तो। मैंने ऐसे ही नहीं बोला, अगर तुम चाहो तो। एक काम कर, मुझे नीचे बैठा कर मुझ पे पैर रखकर चढ़ जा, मगर राजा को सीढ़ी नहीं चाहिए, उसे तो हीरोइन चाहिए। यही बात तो मैं भी समझा रहा था, क्यों राजा? हाँ बचाओ बचाओ करके कौन चिल्ला रहा था, तुम या मैं? मैं तो सोच रही थी मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, देवी माँ ने सुन ली और तुम्हें भेज दिया। जब मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने आ गया हो तो मैं उस प्यार को कैसे छोड़ सकता हूँ, ऊपर से जब पता चला वो प्यार तुम हो, छोड़ने का मन ही नहीं किया। रुक्मणी, रुक्मणी। ओहो, लगता है प्रताप आ गया, अब मैं क्या करूं? पहले यहां से निकलो। रुक्मणी,
अरे ये लाइट कैसे चली गई? एए, कोई देखो। कितनी देर से मैं रुक्मणी रुक्मणी बोल के बुला रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे सकती थी क्या? सुनाई नहीं दिया। मैंने रुक्मणी कह के पुकारा, तुझे सुनाई नहीं दिया? लेकिन मैं सब जानता हूँ, तू इस शादी से खुश नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत पछताएगी। ए प्रताप, किसके सामने तू ऐसी बातें कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? मेरी बात सुनो, हमारे बीच में ना आओ तो अच्छा होगा। आंटी, ये है राजा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। मुझे माफ कर देना, किसी के घर में ऐसे आना अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। इनके बारे में जानते हुए भी तूने इस महल के अंदर घुसने की हिम्मत दिखाई, रुक्मणी से तुम कितना प्यार करते हो ये साबित कर दिया। इस बात का विश्वास है कि तुम रुक्मणी को खुश रखोगे। जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो मैं हर समस्या से लड़ लूंगा। तुझे तो वहीं सलाम कर दिया था ना, तो फिर यहाँ क्यों आया है? हैं? क्या हुआ बॉस, मूड ठीक नहीं है? ठीक है छोड़ो। क्या हुआ बॉस, कोई बात है क्या? ये क्या बोलना चाह रहा है? ए राजा, क्या हुआ? उठ जा बेटे, उठ। राजा, हे, ये सब कैसे हुआ? तू यहाँ पर कैसे आया? बताना कैसे पहुंचा? हाँ? ये घोड़ा मुझे यहाँ लेकर आया। ये घोड़ा? पिताजी, हाँ। अक्सर मेरे सपने में चामुंडेश्वरी की मूर्ति आती, मैंने बोला था ना, वो यही है पिताजी। कल शाम को मैं टेंट के पास बैठा था, तभी अचानक
जब घूम के देखा तो ये घोड़ा सामने था और यही मुझे यहाँ लेकर आया। माते, देवी माँ, चामुंडेश्वरी, हे देवी, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ? इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी है, इसकी रक्षा करना माँ। इसके पीछे क्या कारण है माँ? माँ, कारण है। गुरुजी, मेरे बेटे राजा को क्या हुआ? गुरुजी, सबसे पहले ये जान ले कि ये तेरा बेटा नहीं है। इतना ही नहीं, इसका नाम भी राजा नहीं है, कृष्णा है। क्या कृष्ण? ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? मेरा नाम है राजा और ये मेरे पिताजी हैं। नहीं नहीं, तेरे जीवन की वास्तविकता कुछ और है और तेरा यहाँ आने का उद्देश्य भी कुछ और है। ब्रह्मांत्र पर जो लिखा हुआ था संभवामी युगे युगे, उसका उद्देश्य अब मुझे समझ में आ गया। कृष्णा इस गांव में आ रहा है, यही है। ये देवी तुझे इस गांव में लेकर आई है। ये देवी मुझे यहाँ क्यों लेकर आएगी? तेरे जो असली पिता थे सूर्य नारायण, उनका कर्तव्य पूरा कराने के लिए। सूर्य नारायण कौन? इस गांव के बड़े जमींदार और यहाँ के लोगों के मुखिया। इस गांव और गांव के लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। माता चामुंडेश्वरी के परम भक्त थे। के ऊपर अटूट विश्वास था और उसी विश्वास को तोड़ने के लिए एक अमावस के दिन प्रयत्न किया गया। जय महिषासुर। आज अमावस के दिन अगर हम ये हार महिषासुर को चढ़ाएंगे तो उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी और इस हार के चलते इस गांव के ऊपर देवी का प्रकोप छा जाएगा, क्योंकि ये हार ही इनकी शक्ति है, ऐसा गांव वालों का मानना है। उस हार को निकाल लो। सूर्य नारायण ने जो गांव वालों को विश्वास दिलाया हुआ है वो झूठा होगा। रुक जाओ, केवल विश्वास नहीं है, सच्चाई है। जब तक ये सूर्य नारायण है तब तक इस पवित्र गांव में से एक कंकर भी तुम नहीं ले जा सकते। तू भले ही इस गांव का सूर्य होगा लेकिन हमारे लिए तू कुछ नहीं है। तू चाहे कुछ भी कर ले, हम ये हार ले जाके रहेंगे। सिंहासन की लालसा रखने वाला राजा नहीं हूँ मैं, यहाँ की जनता के दिलों का राजा हूँ। सूर्य नारायण सिंह साक्षात देवी पार्वती का रूप है। ये देवी चामुंडेश्वरी, देवी के गले में जो है स्वयं शिव का पार्वती के गले में डाला मंगलसूत्र है। इसके नजदीक भी जाने की योग्यता तुम में नहीं है। लोगों के मना करने पर भी तुम्हें मैंने इस गांव में रहने दिया, ये मेरी भूल है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए ये देवी है और इस गांव की रक्षा के लिए मैं हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं है। Thank you.
इतना गंदा काम किया इसने, ये तो पापी है। इसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसे तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। तू पापी, कितना घोर अपराध किया है। क्षमा कर दो गुरुजी, पापी मन है, हमसे गलत काम हो गया। इस गलती की कोई क्षमा नहीं, चाहता तो रात को ही तुम्हारे सर धड़ से अलग करके वहीं देवी को बलि चढ़ा देता, लेकिन तुम्हारा खून इस पवित्र भूमि पर जरा सा भी गिर जाता तो ये पूरा गांव अपवित्र हो जाता। सिर्फ इसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। पंचायत की हैसियत से मैं तुम्हारा दंड घोषित करता हूँ, शाश्वत गाँव से तड़ीपा। अगर आप किसी भी कारणवश इस गांव में कदम रखा तो कदम तो क्या, तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। निकाल दो इन्हें। मालिक, मालकिन का प्रसव हो गया है। शांति, तुमने ये लड़का वारिस के रूप में देकर इस गांव की भूमि और इस गांव की सेवा का सौभाग्य हमारे लहू को दिया। मैं पुण्यवान हूँ। मैं पुण्यवती हूँ जो आपके वंश को आगे बढ़ा पाई। अरे सुनो, जल्दी जमींदार जी के घर जाओ, पेड़े बंट रहे हैं। क्यों? उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अच्छा? हाँ ठीक है, तो अभी जाते हैं। हाँ, जल्दी आ जाना। गुरुजी, आप ही हमारे बेटे का नामकरण कीजिए। इसने दुर्गा माँ की चरण में जन्म लिया है, इसलिए इसका कृष्णा नाम रखो। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। तुम्हारे लिए है, मालिक लिए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। कृष्णा, पिताजी ये घोड़ा देखा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने देखा नहीं था ना, इसीलिए बताया नहीं। पिताजी पिताजी पिताजी, इसका नाम क्या रखे? तुम ही बताओ। रामू। बहुत अच्छा नाम है। यहाँ पर किसका नामकरण हो रहा है? माँ, घोड़े का नाम। अच्छी बात है, इस उम्र में घोड़ा दिलाने की क्या जरूरत थी? वो क्योंकि मैं भी पिताजी की तरह घोड़े पर बैठकर दूर सवारी करूँगा। देख लिया, हमारा बेटा अभी से तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, पहले दूध पी लो। मैं पहले घोड़े की सवारी करूँगा फिर पीऊँगा। नहीं बेटे, तुम अभी घुड़सवारी नहीं कर सकते। मैं सिखाऊंगा बिटुआ कृष्णा को। आराम से आराम से, आ जाओ आ जाओ। चलो रामू। पांडे संभाल कर।
आओ सुमति। आओ आओ। अरे अरे ये संभल के। और तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कैसे हो नागपाल जी? हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आओ अंदर आओ। अच्छा ये बताओ पेट में लड़का क्या बोल रहा है? लड़का तुम्हारा बेटा है कृष्ण। मेरे पेट में तो लड़की है। तुम्हारे चेहरे की चमक से तो लगता है कि तुम्हें लड़का ही होगा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने चामुंडेश्वरी से मन्नत मांगी है कि मुझे लड़की ही मिलनी चाहिए और मैं उसका नाम रुक्मणी रखूंगी, उसे ही अपनी बहू बनाना। ठीक है सुमति, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, पहले अंदर चलना। चलो चलो रामो, जल्दी जल्दी चलो। ए रुक जा, तू नीचे उतर, मैं सवारी करूंगा। उतर। ए माँ, प्रताप गिर गया। मेरे रामो ने तुम्हें सवारी करने नहीं दी। चलो चाचा। कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा घोड़ा लेकर आऊंगा। नहीं, मुझे तो वही घोड़ा चाहिए, उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा होना चाहिए। नमस्ते गुरुजी। क्या बात है गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? ब्रह्मांतर के अनुसार जब तुम्हारे बेटे की कुंडली देखी तो उसमें दोष पाया। क्या दोष है? हाँ, ये बात मैं उसके नामकरण के दिन ही जान गया था, लेकिन अगर उस समय बता देता तो तुमने जो 3 साल की खुशी पाई वो छीन जाती, इसलिए नहीं बताया। उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं ना? अगर उसकी जान को कोई खतरा होगा भी तो ये देवी तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगी। यानी जो दोष है वही निवारण करेगी। इसी विजयदशमी के दिन हमें कृष्णा के नाम से एक विशेष पूजा करनी होगी। जैसा आप चाहें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीणमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। अरे वो पांडे, तू यहाँ है? वहाँ पूजा में बहुत काम है, वहाँ जा। जी अच्छा। कृष्णा, घोड़े से खेल रहे हो? घोड़े से तो खेल रहा हूँ, नहीं तो क्या हाथी से खेल रहा हूँ? आपको दिखाई नहीं देता क्या? घोड़े के साथ खेल रहे हो वो तो ठीक है कृष्णा, लेकिन तुम सिर्फ बच्चे ही नहीं हो, तुम तो इस गांव के वारिस हो, भविष्य के मुखिया। जरा वहाँ देखो, गांव के सारे लोग वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तुम भविष्य के मुखिया हो, इसलिए इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? गांव की रक्षा करनी चाहिए। ये हुई ना मर्दों वाली बात, तो बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। कृष्णा, जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा कि तुम गांव की हिफाजत कर रहे थे तो वो कितने खुश होंगे जानते हो? अच्छा, उसके लिए मुझे पहाड़ पे जाना होगा। चल रामो हम चले। कृष्णा कहाँ है? कृष्णा को लेकर आओ। जी अच्छा। यजमान, कृष्णा कहाँ है? पूजा के लिए उसे बुला रहे हैं। कृष्णा खुद देवी देवताओं के पास जा रहा है। क्या कहा? कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा। एक काम करो पांडे, तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और पूजा के बीच जो तुम्हारे पिता उठकर चले गए, उसके बाद वो लौट कर नहीं आए।
और ये जो हादसा हुआ विजयदशमी के दिन हुआ और ये इस गांव के लिए अभिशाप बन गया। इतना ही नहीं, तुझे भी जंगल में जंगली जानवरों ने खा लिया ऐसा मान लिया गया। विधि क्यों इस तरह से खेल रही है अभी तक नहीं समझा हूं, किंतु उनकी मौत अचानक हुई और उस मौत का कारण मैं ही हूं गुरुजी। ये तो क्या बोल रहा है कृष्णा? राजा तू कैसे कारण बन गया? हाँ पिताजी, आज तक जो मेरे सपने में आता था वही पिताजी वही। बकरी फंस गई है, जा भाग जा। पिताजी की मौत का कारण तो खुद बन गया कृष्णा। पिताजी अपने पिताजी की मौत का कारण तो खुद बन गया कृष्णा। नहीं मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही कारण बन गया, तुम नहीं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन गांव वाले विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना चाहते थे, जिस पर प्यार लुटाया उसी ने उनकी जान ले ली। पिताजी पिताजी कृष्णा
तुम कहाँ जा रहे हो? मैं माँ को बताने जा रहा हूँ। माँ को? कृष्णा, कौन सा मुंह लेकर अपनी माँ के पास जाओगे? कृष्णा, तुम्हारी माँ जो अपने पति को परमेश्वर मान के पूजा करती है और उसी के बेटे ने उसके सुहाग को छीन लिया, जब वो जानेगी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? कृष्णा, रो रो कर अपना दम तोड़ देगी। वो तुम्हें भी माफ नहीं करेगी, वो कभी माफ नहीं कर पाएगी। और इन्हें सारे गांव वाले भगवान की तरह पूछते थे, जब वो जानेंगे इनकी मौत का कारण तुम हो तो सारे के सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे। कृष्णा, तो मैं क्या करूं? भाग जा यहाँ से, भाग जा कृष्णा, गांव के लोगों को इस बात का पता चले उससे पहले भाग जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा कृष्णा, जल्दी भाग जा। और उस दिन मैं घबरा कर भागते हुए जंगल के अंदर चला गया और थके में एक जगह गिर गया, और जब मेरी आंख खुली, ये मेरी गोद में था। उस वक्त मैं मंडी में ऑटो चलाता था, ये एक जगह पड़ा हुआ था, इसके चेहरे से खून बह रहा था, इसकी सांसें चल रही थीं, और मैंने बचा लिया इस देवी के आशीर्वाद से। तब से हमेशा ये सपने में आती थी। ये राजा बहुत परेशान हो जाता था, लेकिन अब इसे कोई परेशानी नहीं होगी, उस सपने की ऐसी सच्चाई निकलेगी मैं नहीं जानता था। श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा में, पालन पोषण गोकुल में हुआ। कुछ भी हो गुरुजी, सारी बातें साफ हो गईं। जीवन के अंदर अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब देखो तुम्हारे साथ में क्या हुआ, जब तुम जंगल में चले गए तो किसी जंगली जानवर ने खा लिया ऐसा मान लिया, लेकिन आज यहाँ जीवित खड़े हो। तुम जीवित हो ये जानकर तुम्हें जन्म देने वाली माँ कितना खुश होगी। मेरी माँ? तुम भले ही इस गांव से चले गए हो लेकिन मरे नहीं हो, एक ना एक दिन मेरा बेटा अवश्य आएगा, एक ना एक दिन अवश्य आएगा, ऐसी प्रतीक्षा कर रही है केवल तेरी माँ। और वो इसलिए कि ये देवी उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये बात मेरी माँ को मत बताना। ये बात सिर्फ माँ को ही नहीं, इस गांव में भी किसी को मत बताना गुरुजी। जो लोग सूर्य नारायण की मौत से दुखी हैं, जब वो जानेंगे कि उनका बेटा आया है तो वो कितना खुश होंगे। उस वक्त बहुत खुश होंगे, लेकिन बाद में जब पता चलेगा पिताजी की मौत का कारण मैं हूँ, खुशी गम में बदल जाएगी, क्योंकि बचपन में ही अपनी माँ का सुहाग उजाड़ने वाला पापी हूँ मैं। कौन सा मुंह लेकर मैं अपनी माँ के सामने जाऊँ? 26 साल से जो माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना मुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। पिताजी, सबसे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। कृष्णा, तू यहाँ आया है जाने के लिए नहीं, ये देवी तेरे हाथों कोई महान कार्य करवाना चाहती है, इसीलिए लेकर आई है। पूरे 26 सालों के बाद उसने मुझे नवरात्रि मनाने की क्यों प्रेरणा दी अब समझ में आ गया। आप बड़े हैं, आप ज्ञानी हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं जिंदा हूँ ये बात मेहरबानी करके किसी को मत बोलना, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा, गुरुजी की बात मान ले बेटे। पिताजी, पहले यहाँ से चलो। ए, ए। सही समय पर देवी माँ ही स्वयं ठीक करेंगी। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। कृष्णा, राजवंशों में वनवास सहज है, इसलिए तुम्हारा वनवास खत्म हो गया है। ये उस देवी की ही दया है जो तुम वापस इस गांव में आए। इस गांव की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें यहीं रहना होगा और यहां जितने भी शत्रु हैं उनका नाश करना है। युद्ध में उतरने के बाद जो सच्चा पराक्रमी होता है वो सबसे पहले चीते की रफ्तार से शत्रुओं का धड़ सर से अलग करता जाता है। इतना ही नहीं, शत्रुओं की फौज को भूमिग्रस्त करता हुआ
विजय पताका हाथ में लेकर युद्ध के मैदान में घूमता है और तू भी पराक्रमी है। माँ की सेवा और धरती माँ की सेवा के लिए इस प्रकार का मौका बार बार नहीं मिलता है। लोगों की सेवा करना पुण्य का काम है। इस भूमि पर सेवा करने के लिए उस भगवान ने हमें स्थान दिया है, इसलिए यहाँ के लोगों के मन में तुम्हें स्थान बनाना है। तुम बना लोगे और तुम्हारे साथ मैं हूं ना। मैं ऐसा ही करूंगा पिताजी। माँ, मैं तुम्हारी ममता से दूर रहा, तुम्हारा विश्वास अटूट है, लेकिन मेरी जो हकीकत है उसके कारण मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के योग्य नहीं। मुझे माफ कर देना माँ, माफ कर देना। क्यों, क्या हो गया, ऐसे घबरा गई? फिर से बेटे का सपना आया क्या? सपना नहीं, हकीकत सा लगा, जैसे वो आया था और वो अभी भी यही है। पूरे 26 सालों से वो आ ही तो रहा है, हम यही सुनते आ रहे हैं। मेरी बेटी की बात सुनकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये पागलपन है। देखो, हम बेकार की बात नहीं करते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? कोई खास नहीं, ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई, पता नहीं किसके मनहूस कदम थे, जिसने यहाँ आकर सारे गांव वाले जिनकी पूजा किया करते थे उन्हें निगल लिया। शायद अपने बाप को बचाने की शक्ति उस कृष्णा में नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो अपनी माँ को कभी विधवा नहीं होने देता। एक तो पहले ही पति के मरने का गम दूर नहीं हुआ, ऊपर से तुम किसी और को मुखिया बनाओ, ये हम सहन नहीं करेंगे। जमींदार का बेटा ही मुखिया बन सकता है। और उसके लिए ये मेरा बेटा है ना, इसे ही मुखिया बनना चाहिए। देखो, उस स्थान पर मेरा बेटा ही बैठेगा और किसी को नहीं बैठने दूंगी। मैं वैसी स्वार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति की कुर्सी के ऊपर बैठने की योग्यता उनके खून के अलावा इस गांव में किसी और के पास नहीं है। उसका पग अभिषेक करवाकर उसे जमींदार बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पैदाइशी जमींदार है, उसके बाप का नाम ही उसकी संपत्ति है। मेरे पति के खून के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका खून इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है, वो आज भी किसी की रगों में है, और वो आज नहीं तो एक न एक दिन अपनी कुर्सी संभालने जरूर आएगा। ये इस माँ का विश्वास है, और माँ का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम जा सकते हो। वो वहाँ है बेटी। ठीक है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। संभल कर कृष्णा, कृष्णा, जो मैंने सुना वो सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, तुम्हारी माँ का विश्वास झूठा नहीं निकला। वो विश्वास झूठा निकले तो ही अच्छा रहेगा, मैं अपने प्यार के लिए आया था, लेकिन यहाँ देखो मेरे जीवन की सच्चाई जानने को मिली। अपनी माँ के सामने खड़े होकर मैं तुम्हारा बेटा हूँ ये बोलने की योग्यता भी खो चुका हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस गांव में आया, लेकिन अब मुझे जो यहाँ काम करना है वो खतरनाक है, ऐसे में मेरे प्यार के बारे में तुम कुछ भी मत सोचो। मुझे कोई डर नहीं, हमारे प्यार से ज्यादा तुम्हारे पिताजी का कर्तव्य निभाना है। हमारे प्यार पे मुझे भरोसा है, मैं इंतजार करूंगी।
यहाँ ये क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं? यहाँ भूमि पूजन हो रही है। किस लिए हो रही है यही सोच रहे हैं? खुदाई, भगवान का नाम लेकर शुरू करूंगा, वो भी हमारे ही गांव में, आप लोगों के लिए। ऐसा मत करो, तुम चाहो कुछ भी कर लो लेकिन जमीन खोदने का काम मत करो। मालिक, यहाँ सूर्य नारायण जी की समाधि है, उनकी आत्मा हमारी रक्षा करती है, हमें विश्वास है, इसलिए इस जगह पर खुदाई ना करें। नमस्ते भाई। हाँ, पूरी तैयारी के साथ आया है सहानी। हाँ, बस एक हफ्ते के अंदर यहाँ की सारी जमीन सही हो जाएगी। ओए, सब लोगों को पीछे हटाओ। सहानी, जहाँ पे निशान लगाया है ना, वहाँ से शुरू करो। ठीक है भाई। हे, आ जाओ। हाँ, उधर ही शुरू हो जाओ। ओए, जरा देखो क्या हुआ। धर्मो रक्षति रक्षिता, ग्लानिर्भवति भारत, विश्वविराजी विष्णुः, सम्भवामि युगे युगे। ये सब क्या है? धरती की छाती में हाथ डालने से क्या होता है, उसका एक छोटा सा सैंपल दिखाया और कुछ नहीं। ये सब करने वाला तू कौन आता है? मैं कौन हूँ अगर ये बात तूने जान ली तो हवा निकल जाएगी। सुन, ये यहाँ इस गांव के लोगों की समस्या है, तू बीच में मत आ। जगह के ऊपर नाम लिखने का शौक तेरा होगा लेकिन कुदरत ने हर इंसान को नाम लिखने का हक दिया है, इसलिए ये जमीन भले ही इस गाँव की है लेकिन इसके ऊपर हक मेरा भी है। जब धरती माँ की बात आती है तो जगह किसी की भी हो, लोग कोई भी हो, उखाड़ के रख दूंगा, जिसमें दम हो मेरे सामने आए। ओए, तू इस गांव का कोई नहीं है और ना ही ये गांव तेरा है। जब गांव में कुश्ती का मुकाबला हुआ था तो गांव की हालत द्रौपदी जैसी हो गई थी, उस समय श्री कृष्ण की तरह आकर बचाए इस लड़के ने, इसलिए इस गांव पर इसका भी हक है। सुरावर को कुश्ती में हरा कर खुद को हीरो मत समझना। जबरदस्ती अधिकार जमाने से तू समझता है इस जमीन को हड़प लेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आज तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, ये सारी मशीनें हटा ले नहीं तो ऐसी जगह पे छाप छोड़ूंगा तू देखने के लिए भी तरस जाएगा। तू पैसों को रख के खेलना चाहता है लेकिन मैं लोगों की आवाज बन चुका हूँ। इल्लीगल माइनिंग इज अगेंस्ट द रूल्स, रूल्स मत तोड़ना नहीं तो तुम्हें तोड़ दूंगा। मेरी ताकत को मत ललकारना, बहुत महंगी पड़ेगी, काट के रख दूंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, ग्लानिर्भवति भारत, विश्वविराजी विष्णुः, सम्भवामि युगे युगे। उसने माइनिंग रुकवा दी, वो यहाँ इस गांव का हीरो बन गया है। बेकार में गुस्सा मत हो, शांत हो जा। उसका असली मकसद क्या है ये जानने के बाद ही उसे ठिकाने लगाएंगे। असली मकसद कुछ नहीं है, खुली किताब है, अन्याय बंद कर दो, तुम्हारे कारण लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। नफा नुकसान की जो बात है वो हमारे बीच है। गांव के बीच क्यों? मैं ये तो पहले ही जानता था कि हो ना हो शकुनी का ही खेल खेला जा रहा है। शायद तुझे पता नहीं, इस खेल में मेरे पिताजी शकुनी से भी आगे हैं। एक बार शकुनी हार सकता है पर ये नहीं हार सकते। इस तरह के खेल में शर्त लगाई दी दुर्योधन ने और उसने कहा कि हमारे बदले शकुनी खेलेंगे, लेकिन अगर युधिष्ठिर ने कहा होता कि मेरे बदले कृष्ण खेलेंगे तो क्या होता? कौरवों और पांडवों का युद्ध ही नहीं होता ना, महाभारत का एपिसोड स्मूथली चलता ना। लेकिन अब क्या करें, हर जगह ईगो प्रॉब्लम्स, तुम पासे फेंको। ये नागपाल पासा फेंक कर मोहरे नहीं चलाता है, मोहरे चलाकर पासा फेंकता है। जिस घर में जाना चाहूं अपने आप पहुंच जाता हूं। आज तक तो तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया लेकिन अब से
उल्टी गिनती शुरू। तुम्हारा टाइम गया, वो इसलिए कि शकुनी कभी कृष्ण के साथ खेला ही नहीं था, क्योंकि कृष्ण के पास जो शक्ति है किसी और के पास नहीं। देखो, चिपकली चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए कभी मगरमच्छ नहीं बन सकती, चिपकली ही रहती है। तुझे क्या चाहिए बोल के ले ले और यहाँ से चलता बन। यहाँ जब तक मैं हूँ माइनिंग तो क्या, इस गांव से तुझे एक पत्थर भी नहीं उठाने दूंगा। hey, तू यहाँ का मुखिया नहीं है, तू भी नहीं बनेगा। तो तू मुझे चैलेंज कर रहा है? जो समझना है समझ ले, बाप बेटे दोनों मिलकर इस गांव को कैसे लूटना है प्लान बना लो, और नहीं बनता है तो मेरे पास आ जाना, उसका आइडिया मैं तुम्हें दूंगा। लोगों के बीच में आकर कुश्ती जीत कर उसका उद्देश्य मुखिया की कुर्सी है। उसका उद्देश्य ये कुर्सी नहीं है, तुम्हारी महबूबा। ये तू क्या बोल रहा है? तुम अपने संबंध के लिए उसे लेकर आए और वो अपने संबंध के लिए उसके पास आया, यानी पब्लिक के बीच में उसने मुझे धोया, इसके अड्डे पे जाकर इसे उसने धोया, इसकी इज्जत गई, और यहाँ तुम्हारे गाँव के अंदर घुस कर तुम्हारी। अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है। भाई, जब तुम चाइना गए थे ना, उस लड़की के साथ में वो घूमता था, यहाँ भी वो उसी के लिए आया है। हे, कितने दिनों से चल रहा है ये नाटक है? उस दिन जब लाइट चली गई और उसके बाद जब तेरे कमरे में आया, तब वहां पर क्या हुआ होगा मैं जान गया हूँ। मेरे साथ शादी करेगी और उससे प्यार। तूने मुझे धोखा देकर उसके साथ भाग जाने का प्लान बनाया है, जान से मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी माशुका से प्यार करे? मैं उसे जान से मार डालूंगा। पहले अपनी जान बचाने की सोच, वो कौन है तू नहीं जानता, जान जाएगा तो काम जाएगा। हे, वो क्या बड़ा जमींदार है? नहीं, उसका बेटा कृष्णा। कृष्णा? कृष्णा सूर्य नारायण, उसकी आग में जलकर तो खाक हो जाएगा। तू भी देख लेना कि किसकी आग में कौन जलकर खाक होता है। अगर मैं अपनी पर आ गया ना, तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर तू वाकई मर्द है तो उसे मार कर फिर मेरे साथ शादी करना, पता चल जाएगा मेरा प्यार बड़ा है या तेरा जिद्दीपन। जा, मैं भी देखती हूँ। कृष्णा, क्या कृष्णा जिंदा है? देख लिया ना, कहा था वो मर गया है, वो अब यहाँ कभी नहीं आ सकता। ये तो अच्छा हुआ ये बात सिर्फ हमें पता चली है। लेकिन यही कृष्णा है ये, रुक्मणी को कैसे पता चला? यही कृष्णा है, लोगों को पता चला तो ना मुखिया बनूंगा ना मेरी शादी होगी, जितने भी सपने देखे थे सब बेकार हो गए। बेकार की बात मत कर, किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि वही कृष्णा है। उसके लिए क्या करोगे? जिस तरह से उसके बाप को मारा, उसी तरह से उसे भी मारेंगे, उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में होगा, इसी समय उसे ठिकाने लगाना होगा। इतनी आसानी से तुझे मुखिया नहीं बनने दूंगा। इतना ही नहीं, रुक्मणी जमींदार की पदवी तुझे नहीं मिलने दूंगा। ए, अगर वाकई मर्द है तो दुश्मनी मुझसे निकाल, मेरे ऊपर का गुस्सा बेजुबान जानवर पे क्यों उतार रहा है? वो इसलिए कि हमारे बीच में दुश्मनी कराने का कारण भी तो यही है कृष्णा। तू मेरा पुराना शत्रु है, और अपने शत्रु को मैंने अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा जीना बेकार है। रुक्मणी से शादी करूंगा सोचकर मैं बहुत खुश था। रुक्मणी को हासिल करना तेरा कमिटमेंट है, लेकिन अब से मेरा कमिटमेंट है। इतने दिनों तक बेचारी वो तुमसे डर रही थी, लेकिन आज मेरा प्यार उसके साथ है, वो मेरी प्रेमिका है, और मेरा प्रेम कभी किसी और का नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दुल्हन मेरी बनेगी और मैं उसके लिए तुझे मार डालूंगा। हे, रुक क्यों गया? मारना,
चला मार। मारना चाहता है और मार। हाँ, हाँ, मार रहा, मार रहा। ए, भाई रेटा। देख लिया ना। एक तो लड़की पर डोरे डालता है, जब मेरे बेटे ने रोका तो उसका ये हाल कर दिया, देख लिया। ये रुक्मणी के बारे में बुरा भला कह रहा था। तो इसे मारने का हक तुझे किसने दिया? है, इसके पास सारे हक हैं। वो इसलिए कि ये इस गांव के जमींदार सूर्य नारायण का इकलौता पुत्र है, कृष्णा। कृष्णा, हमारा कृष्णा, हमारे सूर्य नारायण का बेटा। इस बात के लिए तो सारे गांव में खुशियां मनानी चाहिए गुरुजी। अच्छा, अगर तुम्हारी बात सच है तो इसमें खुश होने से ज्यादा संदेह पैदा हो रहा है। कैसा संदेह? 26 साल पहले जो मर चुका था कृष्णा, आज अचानक जिंदा कैसे हुआ? इतने सालों तक कहाँ था और वो अभी तक क्यों नहीं आया था? चलो अब आ ही गया है तो ये बात सारे गांव वालों को बतानी चाहिए ना। खैर वो भी छोड़ो, मेरा बेटा आएगा, वो एक दिन यहाँ जरूर आएगा, इस विश्वास के साथ पूरे 26 सालों से राह देख रही है। पूछो क्या इसने उससे बताया? अब ये मौन रख के क्यों खड़ा है? देखिए वो इतने सालों तक क्यों नहीं आया ये? तुम लोग बीच में मत आओ, इस गांव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये समस्या हम गांव वालों के बीच की है। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। लेकिन वो कृष्णा, कृष्णा। भाभी जी, भाभी जी, आराम से चलिए। अगर तुम्हारा विश्वास सच भी है तो भी कोई फायदा नहीं। मतलब ये कि तुम्हारे पति की मौत का जो कारण है वो खुद तुम्हें कृष्णा बताएगा अगर पूछोगी। पूछ लो। कृष्णा, ये सब क्या बोल रहे हैं? उनकी मौत का कारण कौन है? मैं हूँ। क्या? लेकिन सबने सुन लिया ना जो रहस्य था, और इसी भय के कारण इतने सालों तक ये इस गांव में नहीं आया, और अब कुछ भी करके गांव का मुखिया बनके पूरे गांव पे अधिकार जमाना चाहता है। तो कमीना, तेरे लिए मैंने इतने साल इंतजार किया, अगर पता होता कि तू उनकी मौत का कारण बनेगा तो अपने कोख में ही तुझे मार देती। ये सच्चाई अगर तभी पता चल जाती तो मैं भी उनके साथ चली जाती। मुझे माँ कह के बुलाने की योग्यता तुझ में नहीं है, और आज की बात कभी अपना मुंह मत दिखाना। जमींदारी की अगर कोई आस है तो उसे निकाल दे, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। सुनो, इसके लिए इसकी सजा है गांव से तड़ी पार होना। तुम सब लोग क्या कहते हो? अगर कुर्सी खाली पड़ी हो तो अरे गैरे लोगों की भी नजरें उस पर पड़ जाती हैं, और इसीलिए भाभी जी के सामने ही मेरे बेटे प्रताप को वो पदवी मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। Oh!
जय महिषासुर। इस गांव को बचाने के लिए तूने मेरे भाई को मार डाला, चल हिसाब पूरा कर देते हैं, आजा। ऐसे देख क्या रहा है, तूने तो बहुत बड़ा चैलेंज किया था, अब क्या हुआ? तू बिल्कुल सही जगह पर बैठा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो मिनिस्टर भी बन सकता हूं, लेकिन ये छोटी सी मुखिया की कुर्सी के लिए क्यों पीछे पड़ाऊं तू जानता है? क्योंकि वो तुझे ना मिले इसलिए। तू हमारे सामने छोटा बच्चा है, हमारे जैसे ताकतवरों को तू क्या मिटा पाएगा? महाभारत में केवल श्री कृष्णा ही बुद्धिमान नहीं थे, शकुनी भी बुद्धिमान था। गांव वालों के लिए तू तड़ी पार है, लेकिन हमारे लिए कृष्णा, तू नहीं जानता कि तेरा बाप कैसे मरा, जानने के लिए इच्छुक है ना? चल मैं तुझे खुद ही सच्चाई बता देता हूँ, ताकि तेरी आत्मा को शांति मिले। हमें अगर हमारी आजादी चाहिए तो सूर्य नारायण को खत्म करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, करना होगा। अगर तुम सबने मेरा साथ दिया तो कुछ ही दिनों में ये साम्राज्य मेरा हो जाएगा। एक अच्छा सा मौका देखकर तुम्हें गांव के अंदर बुला लूंगा। सूर्य नारायण कह रहे थे हम गांव में कैसे आएंगे? उसे मरना होगा, लेकिन मौत एक हादसा लगना चाहिए। क्या नागपाल जी, बाप की मौत का राज जान के ये तो बहुत खुश हो रहा है। अपने बाप की सच्चाई जानकर लगता है खून खौलने लगा है। सुनो, ये यहीं पर जब तक दम न तोड़ दें, इस पे नजर रखना।
बेटा। यही सोच रहा है ना कि मैं कैसे बच गया। भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो भी शेर नहीं बनेगा। मेरे पिताजी की मौत को न्याय मिलने तक मुझे कुछ नहीं होगा। कृष्णा, ये तू क्या बोल रहा है? मेरे पिताजी की मौत हादसा नहीं था, खून हुआ है। और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया और इसका कारण ये है। झूठ है, झूठ है। इसकी बात पर कोई भरोसा मत करना। भगवान की तरह जिनकी हम पूजा करते थे उन्हीं का हम खून करेंगे। इसे हमने गांव से जो तड़ीपार किया उसी के बदले ये हम पे इल्जाम लगा रहा है ताकि आप सबका मुखिया बने। यकीन मत करना गुरुजी, ये जो इल्जाम लगा रहा है उसका कोई गवाह है? पूछिए इससे, पूछिए। गवाह ये रहे। जल्दी से सबको बता। क्षमा कर दो गुरुजी, हमें तड़ी पार कर दिया था। इसी कारण इस नागपाल ने हमें कहा कि हम वापस गांव में आ सकते हैं, और उसके लिए हमने इनका कहना मानकर बहुत ही अधर्म का काम कर दिया। अरे रे रे रे, नागपाल ने खून किया? ये काम इसके अकेले के बस का नहीं था, इसलिए इन लोगों की मदद ली। नहीं नहीं नहीं, ये सब इसी का बिछाया हुआ कोई खेल है, यकीन मत करो। पंचायत की कोई इज्जत ही नहीं रही। जिन्हें तड़ी पार किया था वो गांव में घुसाए। ए नागपाल, गांव के लोगों के सामने अपने अपराध को मान ले, तेरा दंड कम करवा दूंगा, नहीं तो चामुंडेश्वरी को तेरी बलि चढ़ा दूंगा। क्या कहा? मेरे बाप की बलि चढ़ाएगा? कृष्णा! मारो उसे। कृष्णा बेटे, छोड़ से, छोड़ दे। पिताजी,
नहीं बेटे, ऐसे पापियों का खून इस जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसी कारण से तुम्हारे पिताजी ने इन्हें जीवन दान दिया था। उन्हीं का बेटा है तू। तेरे हाथों ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो पाप किए हैं उसकी सजा ये खुद पाएंगे। नहीं माँ, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे दंड देना ही होगा। उसे जो दंड देना है वो स्वयं देवी माँ दे देगी। तू अपने हाथ खून से मत रंग। इतने सालों के बाद तू मुझे मिला है, दोबारा अब तुझे खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है बेटे। मैं तुझे नहीं खो सकती। मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन गलत कार्य के लिए समय अनुसार दंड मिलता है। कृष्णा, तुम्हें अपने पिताजी का स्थान ग्रहण करना होगा। नहीं गुरुजी, मैं अपने पिताजी की मौत का कारण नहीं हूँ, यह सिद्ध हो गया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी पदवी है। यह अधिकार संपत्ति, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। राजा देख, देश और देश के लोगों का उद्धार करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, विकास के लिए तेरे जैसा एक सारथी चाहिए बेटे। तू नहीं जानता है, हर कोई मुखिया नहीं बन सकता, लेकिन तू तो पैदाइशी मुखिया है। मान ले बेटे, मान ले। लेकिन उससे पहले एक काम करना चाहती हूँ। आओ बेटी, आओ, इन दोनों की शादी। ये कहाँ चले गए?